फेसबुक पे तो ये लाइव है ही है, इसकी रिकॉर्डिंग भी हम करके आपको भेज रहे हैं, तो दोनों को कई बार इसको देखिएगा, जितनी बार आपको समय मिले उतनी बार आप इसको देखिएगा, बिकॉज ये आपकी टीम बिल्डिंग में आपको मदद करने वाला है, आपके यूपॉस सेल में मदद करने वाला है, आपके वेंडर को भी इमिडिएटली सिस्टम में लाने में मदद करने वाला है। तो लेट स्टार्ट। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि क्या होता है कई बार लोग मुझसे पूछते हैं सर कुछ नया बताइए कुछ नया बताइए, तो ये चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है कि मैं जो अब इस स्लाइड में बोलने वाला हूं, कि जब भी आप कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, जब भी आप कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो वैरायटी को भूल जाइए, क्योंकि आप डेली नया करके उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे जो आपने अगर बड़ा गोल देखा है। ये ध्यान रखिए, आपको डेली कुछ ना कुछ करते रहना है, बट आप जैसे कहते हैं ना, एक अगर ऊंची दीवार बनानी है हमें, तो हमें ब्रिक बाय ब्रिक रखनी होगी, अगर आधा इंच भी ब्रिक इधर उधर हो गई तो कल को वो दीवार कभी भी सीधी खड़ी नहीं होगी, करेक्ट। तो वैसे ही आप जब बिजनेस खड़ा करते हैं, अगर आपका फ्लिकरिंग माइंड होगा कि आज कभी आपने सोचा मैं ये कर लेता हूँ, कभी सोचा मैं ये कर लेता हूँ, या आप निकले किसी को वेंडर बनाने और बीच में कोई बंदा मिल गया यूपॉस खरीदने के लिए, तो आप यूपॉस बेचने निकल पड़े। जो आपने सोचा है उस प्लान पे अगर आप 100% ओके हैं कि वो प्लान मेरे लिए सक्सेस लाने वाला है, पहले पेपर पे जितनी परमुटेशन कॉम्बिनेशन करनी है सब कर लीजिए, बट एक बार आप शुरू हो गए फिर पीछे मुड़ के मत देखिए, या डेली कुछ ना कुछ नया मत उसमें डालिए, क्योंकि वैरायटी नहीं है। क्योंकि जब तक आप ये नहीं करना शुरू करेंगे, मतलब डेली कि डेली जो सीखा उसको डेली इंप्लीमेंट करना और डेली करते रहना, क्योंकि सक्सेस अगर एक दिन में मिल गई होती तो हर आदमी सक्सेसफुल हो जाता। आज एक क्रिकेटर को भी एक ही शॉट 1000 बार पिच पे खड़े होकर प्रैक्टिस करना पड़ता है, सेम हमें भी करना पड़ेगा। आप जब किसी बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो ऐसा नहीं है कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड सवाल पूछता है, वही सेम सवाल पूछता है आपसे, आप जितनी बार जाओगे वही सेम सवाल, कैसा लग रहा है, तबीयत कैसी है, वही घिसे पिटे सवाल, मगर यही घिसे पिटे सवाल उसको उसके लक्ष्य तक पहुंचाते हैं कि आपको प्रॉपर मेडिकेशन दे पाए। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम ये आज बात करने वाले हैं, और इसको आपको डेली करते रहना है। अगर सक्सेस नहीं मिल रही है करने से, तो आपको रास्ता फिर से चेंज करना है, मगर मंजिल को नहीं चेंज करना है। वैरायटी मंजिल में नहीं होनी चाहिए, रास्ते में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना है वो ओके है चलेगा, बट आपको ये चीज डेली करनी है। ये नहीं कि पहले दिन थोड़ा सक्सेस नहीं मिली तो छोड़ा छोड़ो नहीं करेंगे। तो आपको अगर आपका गोल पता है कि यार मैं इस कंपनी से आने वाले 1 साल बाद 10 लाख रुपए महीना कमाऊंगा, 5 लाख रुपए महीना कमाऊंगा, 20 लाख रुपए महीना कमाऊंगा, और अगर उस लक्ष्य के अलावा आपके दिमाग में कुछ और आता है तो फिर वो प्रॉब्लम है। तो उसके लिए आपको कोई भी एक्सरसाइज जो आप कर रहे हो वो डेली करनी पड़ेगी, डेली 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 डेली, करेक्ट। और जैसा कि हम भी एक ही चीज बार बार आपको रटा रहे हैं कि हु आर यू, आप ग्लोबल गार्नर के किंग हैं, क्योंकि आपके पास पावर है टू एम्पावर। आप वेंडर्स को एम्पावर करेंगे, आप यूजर्स को एम्पावर करेंगे, आप यूपॉस सेल करेंगे, जो कि अपने आप में एक एम्पावरमेंट है, और आपको ऑफर करना है अपॉर्चुनिटी। अगर वो ऑफर एक्सेप्ट नहीं है तो आपको उसको क्रिएट करना है। मैं आपको एग्जाम्पल दे चुका हूं कई बार, नोकिया और सैमसंग वाला, कि एंड्रॉयड आया उसने ऑफर जरूर किया होगा नोकिया को, मगर नोकिया क्योंकि उस समय बहुत बड़ा जाइंट था उन्होंने ऑफर नहीं एक्सेप्ट किया। बट वहीं पे सैमसंग जो समय स्ट्रगल कर रहा था उसने मार्केट कैप्चर करने के लिए हाथ मिलाया और आज आपको पता है क्या हो गया। तो सेम आपके साथ भी यही होगा, जब आप किसी को वेंडर बनाने जाएंगे, किसी को यूपॉस बताने जाएंगे, वो उस समय नखरे दिखाएगा क्योंकि आप गए हो। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप गए हो, अगर वो आए होते तो शायद आप दिखा रहे होते, मगर क्योंकि आप गए हो उनको कुछ प्रपोज करने तो वो आपको नखरे बताएंगे बताएंगे, इट इज क्वाइट ऑब्वियस, बट आपको उनको प्रॉपर प्रपोजल बताना है। अगर वो एक्सेप्ट करते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते तो आप अपॉर्चुनिटी बगल में क्रिएट कर दीजिए। जो चाणक्य का हमने भी आपको वीडियो दिखाया था, पहले वो मगध के राजा के पास गए कि भाई हमें ऐसा करना चाहिए, उन्होंने जब रिजेक्ट कर दिया तो उन्होंने गली से एक लड़के को बुला के उसको इतना बड़ा साम्राज्य का स्थापित करके दिया। तो सेम वो पावर आपके पास है, आप अपने पिन कोड पे राजा की तरह अगर आप बिहेव करेंगे तो ही आप सक्सेस पा पाएंगे, वरना नहीं। अगर एक आप नॉर्मल सेल्समैन की तरह किसी की दुकान में जा रहे हैं मांगने की हैसियत से, कि आप किसी को ऐसे देख रहे हैं कि जैसे आप कुछ उससे लेने गए हैं, तो सबसे पहले वो आदमी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा और आप भी उस पे कभी भी अपना जो प्रपोजल है उसको स्ट्रांगली नहीं पुट कर पाएंगे।
और दूसरा आप वर्ल्ड की सबसे पावरफुल और मोस्ट एम्पावरिंग बिजनेस मॉडल के साथ हैं। आज इस तरह का मॉडल वर्ल्ड में कहीं नहीं है। और बेस्ट पार्ट क्या है, जो अभी हम देख पा रहे थे कि रिलायंस जियो अपना जियो मार्ट लेके आ रहा है या अलग अलग ऑपरेटर अपने अपने लेके आ रहे थे, आई एम रियली थैंकफुल टू एवरीवन कि उन लोगों के मॉडल जब मैं आज स्टडी करता हूँ तो मुझे मेरा विश्वास इस बिजनेस मॉडल पे और बढ़ गया है, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो लोग क्या कम दे रहे हैं और हम लोग क्या बहुत ज्यादा दे रहे हैं। करेक्ट। अगेन, जैसे ही जैसे आपने किया था अपने वेंडर के लिए प्रोस्पेक्टिंग, आपके यूपॉस की प्रोस्पेक्टिंग भी सेम उसी तरीके से होगी, सेम वही तरीका, क्योंकि आपका जो वेंडर है वही आपके लिए 99% आपका प्रोस्पेक्ट होना चाहिए यूपॉस के लिए भी, क्योंकि आपका वेंडर ऑलरेडी व्यापार में है, आपका वेंडर ऑलरेडी यूजर बेस है उनके पास, और हमारा यूपॉस हेल्प करता है किसी को भी अपने यूजर बेस पे एक्स्ट्रा इनकम करने का, और वो एक्स्ट्रा इनकम शायद उनके अपने बिजनेस से भी ज्यादा होगी, जो मैं आगे चल के दिखाने वाला हूं आपको। मगर यूपॉस और वेंडर ये पैरेलल चलेंगे, ऐसा नहीं होगा कि आप यूपॉस बिल्कुल आउट ऑफ द वर्ल्ड को आदमी को बेचने जा रहे हैं और वेंडर किसी और को बनाने जा रहे हैं। आपको हर वेंडर को दोनों नजर से देखना है, आपके यूपॉस की तरह से भी और आपके पार्टनर के तरीके से भी, क्योंकि आप अनलिमिटेड पार्टनर बना सकते हैं और आप अनलिमिटेड यूपॉस सेल कर सकते हैं, उस पे कोई कैप नहीं है। करेक्ट। आपके सीपी के पास कैप है कि वो 10 सीपी से ज्यादा नहीं बना सकते, आपके एमसीपी के पास कैप है कि वो 10 से ज्यादा सीपी नहीं बना सकते हैं, मगर आपके पास कोई कैप नहीं है एज ए एसीपी, आप अनलिमिटेड पार्टनर और अनलिमिटेड वेंडर बना सकते हैं। करेक्ट। तो अब अपने आप को आप तैयार करिए उस लेवल के लिए कि आप हर आदमी को अपना पार्टनर देख रहे हैं, हर आदमी को अपना यूपॉस देख रहे हैं, हर आदमी को आप अपना वेंडर देख रहे हैं। करेक्ट। अब सेगमेंट वाइज, जैसे केबल ऑपरेटर, मैं सबसे ज्यादा स्ट्रांग मानता हूं किसी भी केबल ऑपरेटर को यूपॉस के सिस्टम में लाने के लिए, क्योंकि केबल ऑपरेटर के पास दोनों लोग हैं, एक उनके पास यूजर्स हैं जिनके घर वो शायद 20-25 साल से जा रहे हैं, 15 साल से जा रहे हैं, उनका एक रिलेशनशिप है उनसे, मगर आज वो केवल 50-100 रुपए से ऊपर नहीं कमाते हैं घर से, क्योंकि वही सब्सक्रिप्शन जो 200-300 रुपए का है जिसमें बाकी सब निकालने के बाद उनके पास 50-100 रुपए से ज्यादा नहीं बचता है। आप उनको जाके बताइए कि आपके पास 1000 लोगों का डेटा है, अगर इन 1000 लोगों से 1800 रुपए आप महीना कमाओगे तो 1800000 रुपए महीने की हम बात कर रहे हैं, और अगर बिल्कुल डिजास्टर भी सोच ले तो भी 100 रुपए महीना भी कमा रहे हैं तो भी 1,80,000 रुपए कमा रहे हैं, जो शायद वो आज के बिजनेस में जो कमा रहे होंगे उसके लिए उन्होंने 5,00,000 रुपए लगाया होगा। यहाँ पे आप उसको बहुत आसानी से बोल सकते हैं, भाई ये देखो, ये इतनी कम कॉस्ट में आप इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर पाओगे, और अगर आप खुद एसीपी है और आपके पास यूपॉस है तो इनको अपने अंडर में एजेंट बना लीजिए शुरुआत में। मैं आगे दिखाने वाला हूं एजेंट बनाने का क्या फायदा होगा आपको, चिट भी आपकी होगी, पट भी आपकी होगी। अगर वो एजेंट बना रहता है तो भी आपको फायदा मिलेगा, अगर वो एजेंट नहीं बनके आपका यूपॉस खरीद लेता है तो भी आपको फायदा होगा, दोनों तरीके से आपका ही फायदा है। इंश्योरेंस एजेंट, अगेन उनके पास भी बहुत बड़ा यूजर बेस है, बट वो हर महीने नहीं कमाते हैं उससे, आपको उनको सिखाना पड़ेगा कि सर देखो आप इंश्योरेंस बेचते हो बट इससे आपको हर महीने इनकम नहीं हो रही है, बट हम ग्लोबल गार्नर में आपको ऐसी चीज दे सकते हैं जिससे आप अपने हर यूजर पे हर महीने कुछ ना कुछ कमाओ, और अगर आपने लोगों को अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज से इंप्रेस किया है तो वो तो सबसे बड़ा चीज है, कि कोई आदमी अगर आपसे पैसे पे भरोसा करता है तो बाकी चीजों पे तो आराम से करेगा, और यहाँ पे आप उसको केवल सेविंग के बारे में बता रहे हैं, कोई भी आप उसको खर्चा करने की बात नहीं बता रहे कि भाई तुम्हें ये अलग से कुछ खर्चा करना है या ये कुछ अलग से इन्वेस्टमेंट करना है, उनके खर्चों को आप इन्वेस्टमेंट बनाए दे रहे हैं। करेक्ट। तो ये हुआ इंश्योरेंस एजेंट। और जो छोटे छोटे व्यापारी है, जैसे आप, हमने बताया था क्या कि आपको वेंडर जब हम प्रोस्पेक्टिंग बता रहे थे, हम बोल रहे थे अपनी टेरिटरी में घूम लो, केवल अपनी टेरिटरी का एक राउंड लगा लो, आपको क्या समझ में आएगा उससे। अब जैसे आप जब जाएंगे किसी भी छोटे किराना दुकान को आप देखेंगे तो उन्होंने माल अंदर से ज्यादा बाहर भर रखा होता है, उनके यहाँ वाड़ीलाल का फ्रिज भी लगा होता है, कोको कोला का भी फ्रिज लगा होता है। अब उनसे आप अगर मोटा मोटी उनका कैलकुलेशन करेंगे ना, उनकी दुकान के बाहर खड़े होके केवल उसकी दुकानदारी समझने के लिए, तो आप देख पाएंगे कम से कम 8-10 लाख रुपए का इन्वेंट्री उन्होंने रखा होगा, मगर वो उस पर क्या पैसा कमा रहे हैं ये आपको भी बेटर पता है, वो 20-25-30 हजार रुपए से ज्यादा नहीं बनाते होंगे नेट। तो अब आप उनको बोलिए कि सर मैं आपको ऐसा चीज दे सकता हूँ, क्योंकि देखिए वो व्यापारी एक चीज तो समझता है कि जितनी ज्यादा इन्वेंट्री होगी उसकी दुकान में उतना ज्यादा ग्राहक आएगा, जितना ज्यादा ग्राहक आएगा उतनी ज्यादा उसकी कमाई होगी,
तो आप उसको बोल सकते हैं मैं आपको एक ऐसी चीज दे सकता हूं जिसके जिसकी वजह से आपकी दुकान में 20 करोड़ प्रोडक्ट आ जाएंगे, और सिर्फ प्रोडक्ट नहीं आप सर्विसेज भी बेच पाएंगे, और सिर्फ यहाँ अपने अपने एरिया में नहीं, अपनी दुकान के आसपास नहीं, कहीं भी आपका वेंडर आपका यूजर जहां भी है वहां पे उसको आप सर्विसेज दे पाएंगे, आप उसको वहां पे माल बेच पाएंगे। उसका दिमाग 5 मिनट के लिए तो चकरा जाएगा आपकी इस बात से, मगर आपको इस चीज पे फोकस करना है, क्योंकि वो व्यापारी समझता है पैसा लगा के इन्वेंटरी बाय करना। आप उसको बोल सकते हैं मैं आपको ये बोल ही नहीं रहा हूं कि इन्वेंटरी में पैसा लगाइए, अपने आप उसको लगेगा यार ये क्या चीज है, उसको समझ आ जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी बिजनेस में है। आप किसी अनजान आदमी के पास जाओगे जो बिजनेस में नहीं है, वो आपसे 10 तरीके के उल्टे सवाल पूछ सकता है, मगर जो बिजनेस में है लोग वो आपसे उल्टे सवाल तो नहीं पूछेंगे, करेक्ट। इसी तरह स्मॉल बिजनेस ओनर, हाउस वाइफ, एक्स्ट्रा इनकम जिनको चाहिए, स्टूडेंट्स वगैरह को, कंसल्टेंट्स को, जिनके पास ऑलरेडी एक यूजर बेस है, 50-100 लोगों का भी जिसके पास एक यूजर बेस है जिनसे वो बात कर सकते हैं, उनको आप यूपॉस दे सकते हैं। और ध्यान रखिएगा एज ए ACP आपको सिर्फ यूपॉस बेचना नहीं है, क्योंकि बेचने पे तो सिर्फ 1 टाइम कमीशन मिलता है, मगर अगर आपने सही आदमी को यूपॉस बेचा है तो वो आपकी एक रिन्यूअल इनकम शुरू कर देगा, जो आपकी सबसे बड़ी इनकम है, जिसके बारे में हम कल बात करेंगे, मगर आप ये मान के चलिए वो बहुत बढ़िया इनकम है आपकी। ये 50,000 रुपए लेके केवल किसी को यूपॉस चिपका दिया और उस वो ट्रेड नहीं करने वाला है तो आपने कोई सक्सेस नहीं पाई है, ये ध्यान रखिएगा। ओके अगेन, जैसे हमने वेंडर की समस्याएं समझी थी, एक यूपॉस वाले की भी मार्केट समझिए और उसको प्रपोज करना सीखिए। वही सेम एड मैं आपको दिखाऊंगा, मगर अगेन आपको अब नया नजरिया दूंगा उसको दिखाने का। पहले एड देखते हैं फिर उसके नजरिए के बारे में बात करते हैं। अरे सहरा तो हटा गुप्ता जी। कौन? अरे भाई आप? अरे कितना ठूसोगे दुकान में, नया स्टॉक आया है, रखना तो पड़ेगा ना भाई। आपके दुकान में टॉफी रखने की भी जगह नहीं है, आप बड़ी दुकान ले लो। अरे भाई नई दुकान के लिए लगता है लोन, और हम दुकानदारों को कोई नहीं देता लोन। अरे भारत पे सर इसको रखो दुकान पे, बेशक भारत पे ये दे बिजनेस लोन्स कम ब्याज पे, इसको लगाओ धंधा बढ़ा। अब देखिए इन्होंने कितनी बढ़िया तरीके से इनको एक्सप्लेन किया कि भाई आपकी दुकान छोटी है इसको बड़ा कर लो। तो आप भी जाके किसी भी दुकानदार को बोल सकते हैं ना, भाई आपकी दुकान छोटी है, आपको इन्वेंटरी कम है, आप और ज्यादा इन्वेंटरी रखो। तो वो बोलेगा यार इन्वेंटरी के लिए पैसा लगता है, लोन लेना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। और उसके लिए आप क्या बोलोगे, बस इस एड में आपको सुनाता हूं मैं। हमेशा एक के साथ एक फ्री, किसको मिला कस्टमर, तुझे क्या मिला गंदा, तुझे लकी साड़ी में 10 किलो गोल्ड किसने जीता कस्टमर। चूस खाते खाते भाई किसने जीती कस्टमर, तुझे क्या मिला गुप्ता जी, कस्टमर को तो मिलते आ रहा है समथिंग समथिंग, और आपको क्या मिला? नथिंग, पर अब मिलेगा, आया है भारत पे, ये किसी भी ऐप से पेमेंट स्वीकार करे, ले जीरो ट्रांजैक्शन फीस, ये बिजनेस लोन्स दे कम ब्याज पे, सिर्फ दुकानदार भाइयों के लिए, पे 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 भारत पे। अब आप क्या प्रपोज करोगे ये सुनो अब आप। अरे सुनना, एक सॉलिड आइडिया है, अपना बिजनेस करते हैं ब्रो। उससे भी बेटर आइडिया दूं? अपना नहीं सबका बिजनेस करते हैं ना, यूपॉस पे रजिस्टर करके। अब लोन से नहीं, बनाओ अपनी दुकान को हर चीज की दुकान, और बेचो 20 करोड़ से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स और सर्विसेज सिर्फ यूपॉस से। बिग बाजार, शॉपर स्टॉप, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, अलीबाबा जैसी हजारों ब्रांड्स का, या फिर आपके आसपास की दुकान का माल बेचिए और बनाइए सबके बिजनेस को अपना बिजनेस, और दीजिए आपके कस्टमर्स को 2% से लेके 100% गारंटीड कैशबैक, या उनकी हर 10,000 रुपए की खरीदारी पर पाइए 1 करोड़ कमाने का मौका। ज्यादा जानकारी के लिए विजिट www। अब देखिए हमने सेम बात को देखने के 10 तरीके हो सकते हैं। जैसे आपने देखा उन्होंने सबसे पहले एक वेंडर को दिखाया कि भाई तुम्हारी दुकान को बड़ा करना है तो लोन ले लो। आप किसी भी वेंडर को क्या बोल सकते हैं, दुकान को बड़ा करना है यूपॉस ले लो, क्योंकि ना लोन लेना पड़ेगा ना इन्वेंटरी मैनेज करनी पड़ेगी, और ये क्योंकि डिजिटल बिजनेस है पूरी तरह से, तो आपको कोई नुकसान होने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है, करेक्ट। दूसरा ऐड कि भाई हर बार कस्टमर को सिर्फ मिलता है, अब आपको क्या मिला, करेक्ट।
उन्होंने तो खैर उसमें लोन ही पिच किया। आपके एड में क्या है यूपॉज वाले, सबसे पहले आपने उसकी दुकान को बड़ा करने के लिए बताया यूपॉज ले लो, दूसरा आपने बताया कस्टमर को 2% से 100% दो, मगर उनकी खरीदारी पे आप 1 करोड़ रुपए बना सकते हो हमारे माई सर्किल में, करेक्ट? क्योंकि माई सर्किल के लिए चाहिए कितने लोग, 6 लोग, और यहाँ पे तो दुकानदार के पास कम से कम 600 लोग होंगे। अब जो हमने स्क्रिप्ट तैयार करी थी हमारे वेंडर के लिए, उसका ऑलमोस्ट 60% हमारे यूपॉज की पिच के लिए भी रहेगा, कि सबसे पहले आप किसी भी वेंडर, क्योंकि मैंने क्या बोला, आपका वेंडर जो है वही आपका प्रोस्पेक्ट होना चाहिए आपके यूपॉज के लिए। आप 300 वेंडर बना रहे हो, 300 में से आप टारगेट करो कि 50 लोगों को केवल यूपॉज दूंगा, और किसको देना है ये आप चूज करो। ये अभी मैं आपको जो नेक्स्ट दिखाऊंगा उसमें आप एक्चुअली चूज कर पाओगे कि आपको किसको चूज करना है, सामने वाले को नहीं सोचना है किसको बेच रहे हैं आप। तो सबसे पहले वही सेम पिच कि सर मैं ग्लोबल गार्नर से आता हूं, जो कि वर्ल्ड की सबसे पहली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो वेंडर को सेल्स जनरेट करके देती है एट जीरो ऑफ फ्रंट कॉस्ट। फिर उससे सवाल पूछना कि सर आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, क्या आप इसको ग्रो करना चाहते हैं, इस पे हम परसों बात कर चुके हैं इसलिए मैं बहुत ज्यादा इसमें नहीं जा रहा हूं। फाइनली कि आपको क्या चैलेंजेस दिखते हैं आपके बिजनेस में, और मैं अश्योर करता हूं मैं आपको हर सोल्यूशन दूंगा बिना किसी अपफ्रंट कॉस्ट के। अब आप सारे प्रॉब्लम्स लिख रहे हैं उनके, आप उनको सोल्यूशन इमीडिएटली मत दीजिए जैसा हमने परसों डिसाइड किया था, आप सारी चीजें अपने पास लिख लीजिए। अब जब नेक्स्ट डे आप सोल्यूशन लेके गए हैं उस दिन उनको यूपॉज नहीं बेचना है, ध्यान रखिए ना पिच करना है ना बेचना है। आप उनको बोल सकते हैं सर आपके मोटा मोटी कस्टमर जब आप उसको अपने अपने लाए हुए प्रपोजल जो ये फ्री प्रपोजल है उस पर कन्विंस कर लें, जब वो कन्विंस हो गए हैं कि हाँ भाई हम आपके वेंडर बनना चाहते हैं, उनको आपने पहले एक्सपीरियंस दे दिया, उनकी दुकान को डिजिटल कर दिया, अब आप बातों बातों में कभी भी उनसे पूछ लीजिए सर मोटा मोटी आपके पास कितने कस्टमर हैं, क्या आप उनसे हर महीने कमाते हैं, या मैं आपको उनको डू यू नो दैट यू कैन अर्न फ्रॉम देयर स्पेंडिंग, कि वो आप मान लीजिए उनको राशन बेच रहे हैं बट क्या आप उनको लोन देके पैसा कमाना चाहते हैं, क्या आप उनको कपड़े बेच के पैसा कमाना चाहते हैं, वो अगेन आप सोचे पड़ जाएगा ये क्या नई चीज बताने लगा, और तब आप अपना प्रोडक्ट वहां पे यूपॉज को पिच कर दीजिए, करेक्ट? क्योंकि अभी तक हमने जितना बात किया है वो अपने आप हमारी पिच में आ जाएगा, और मैं इसमें नहीं जा रहा कि आपको यूपॉज में क्या मिल रहा है, बट आप उनको सिंपल एक मोटा मोटी तो इस पॉइंट पे थोड़ा सा एम्फसाइज करके बताइएगा कि सर मैं आपको यूपॉज में क्या दे रहा हूं, 126 वेबसाइट्स, 27,000 ब्रांड स्टोर्स और 12,000 लोकल वेंडर्स, जो कि आने वाले समय में बहुत तेजी से बढ़ने वाले हैं, चाहे वो वेबसाइट हो चाहे वो ब्रांड स्टोर्स हो या लोकल वेंडर्स हो। तो हमारी दुकान हमारा यूपॉज लेने से आप पूरे के पूरे इंडिया की इन्वेंटरी एक्सेस कर पाएंगे और बेच पाएंगे। अब बेस्ट पार्ट क्या है, अब आपको ना लोन सोचना है ना आपको अपनी दुकान बड़ी करने के लिए सोचना है, आपके पास ऑलरेडी एक कस्टमर बेस है जिसको आप ये सर्विस दे सकते हैं, करेक्ट? और फिर नॉर्मल यूपॉज के जो बेनिफिट्स हैं वो आप उनको समझाएंगे पूरा, जैसे हम लोग हमेशा समझाते हैं, मैं इसमें बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा, आप उनको बहुत जल्दी ये सब प्रॉपर समझाइए। फिर जब आप कॉस्ट बताते हैं, जब आप कॉस्ट बताते हैं उसके साथ साथ आपको ये भी बताना है कि इस कॉस्ट में उनको फ्री क्या क्या मिल रहा है, कि 500 मूवी वाउचर तो हम उनको साथ में फ्री दे रहे हैं अपने नए कस्टमर बनाने के लिए, मूवी वाउचर की जगह हम और भी अभी ऑप्शन देने वाले हैं आपको, तो मान के चलिए उनको 100 रुपए का बेनिफिट आप अपफ्रंट दे रहे हैं जिसके लिए आप उनसे कुछ चार्ज नहीं कर रहे हैं अलग से, इसी कॉस्ट में वो आ गया। और सबसे बड़ी जो अब आपको जो मैं आप दिखाने वाला हूं इस पे आपको फिर से वापस बहुत एम्फसाइज करके बात करनी है, जो बातें अभी मैंने निकाल दी वो आप भले थोड़ा बहुत स्किप भी कर सकते हैं मगर इस बात को जरा आपको बहुत कहते हैं ना दबाव डाल के बताना पड़ेगा, इसको अंडरलाइन करके बताना पड़ेगा कि ये बिजनेस आता है एक बहुत बड़े जीरो के साथ, जीरो रिस्क, जीरो मेंटेनेंस, जीरो ऑपरेशन कॉस्ट, करेक्ट? क्योंकि यहां रिस्क क्यों नहीं है, जैसे अभी मान लीजिए वो इन्वेंटरी बाय करते हैं अपनी दुकान को बड़ा करने के लिए, इन्वेंटरी लोन लेके भी इन्वेंटरी बाय कर लेते हैं, बट कुछ प्रॉब्लम आ गई, मान लीजिए वो प्रोडक्ट एक्सपायर कर गया, बिकने से पहले एक्सपायर कर गया, अभी वो लॉस उनका है, उन्होंने आइसक्रीम का फ्रीजर बाहर रख रखा है, मान लीजिए आज लाइट अचानक चली गई रात में, आंधी तूफान आया लाइट रात में चली गई, सुबह तक आइसक्रीम पिघल गई, ये रिस्क किसका है, उनका है,
वो राशन की दुकान है, कपड़े की दुकान है उनकी, उसमें रात में चूहा चला गया, चूहे ने जाके सब कुछ काट पीट दिया, ये नुकसान किसका है? उनका है। मगर यूपॉज में नुकसान होने का एक भी प्रोबेबिलिटी नहीं है, एक भी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ये टोटली डिजिटल बिजनेस है और वो वेंडर सर्विस दे रहा है। अगर आपने बिग बाजार सेल कर दिया तो बिग बाजार उसको सर्विस दे रहे हैं, अगर आपने शॉपर स्टॉप बेच दिया तो शॉपर स्टॉप उनको सर्विस दे रहे हैं, आपने फ्लिपकार्ट अमेजोन बेच दिया तो फ्लिपकार्ट अमेजोन उसको सर्विस दे रहे हैं, या आपने किसी लोकल व्यापारी के यहां उनको भेज दिया तो वो लोकल व्यापारी आप उनको सर्विस दे रहा है। आप किसी भी एंगल से इस बिजनेस में रिस्क नहीं बता सकते हैं। यूपॉज में मेंटेनेंस जीरो है। अब आप सोच के देखिए, जिसने होटल बनाया है, जिसने रेस्टोरेंट बनाया है, जिसने दुकान खोली है, उन सबको मेंटेनेंस कितना हैवी होता है। बट अगेन, आपका यूपॉज एक डिजिटल बिजनेस है तो ये यहां पे मेंटेनेंस इज जीरो, ऑपरेशन कॉस्ट जीरो है। क्यों? क्योंकि आपको ये नहीं सोचना है, यार मैं अगर डबल शिफ्ट काम करवाऊंगा तो मेरे को चार आदमी और लगेंगे, कभी दिवाली की सेल आएगी तो मैं लेट से बिग बाजार में मैंने भर के 100 लोगों को भेज दिया, अब मैं उसके लिए मुझे कोई आदमी रखना है? नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, जो करना है उन ब्रांड्स ने करना है, उन लोकल व्यापारियों ने करना है, उन बड़ी वेबसाइट्स ने करना है, आपने केवल उनको कनेक्ट करने का पैसा बना लिया, दैट्स इट, आपको कोई टेंशन है ही नहीं लाइफ में। सो ये अपने आप में बहुत यूनिक बिजनेस है, जो आज भी किसी को समझाइए तो पहली बार में तो समझ ही में नहीं आता है, करेक्ट। बट ये बात को आपको थोड़ा सा एम्फसाइज करके, इस पे थोड़ा सा अंडरलाइन करके इस बात को समझाना है जब आप यूपॉज किसी को पिच कर रहे हैं। फिर आपको वैल्यू बतानी पड़ेगी। आपने प्राइस बता दिया, मगर आपको उस प्रोडक्ट की वैल्यू बतानी पड़ेगी कि एक्चुअली इस प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें जितनी चीजें हम दे रहे हैं इसकी वैल्यू मोर देन 2.5 लाख करोड़ है, जिसको मेंटेन करने के लिए इन ब्रांड्स को करीब 4,000 करोड़ रुपए खर्चा करना पड़ता है। तो अगर आप 2% भी कमा रहे हैं तो एवरेजली आपको देखा जाए तो 5,000 करोड़ और 80 करोड़ रुपए महीना तैयारी रखनी चाहिए। बट यूपॉज आपको मिल जाता है सिर्फ 54,000 में 50,000 रुपए के मूवी वाउचर के साथ, स्टैंडी और डिस्प्ले बोर्ड के साथ, पेपर पैम्पलेट के साथ, और टाइम्स ऑफ इंडिया में जब हम ब्रांडिंग करते हैं तो भी आपको ही फायदा मिलता है, क्योंकि ब्रांडिंग का फायदा जब आप दिखाएंगे किसी को, उस पेपर कटिंग का फोटो निकालिए और बोलिए यही यूपॉज है जो मैं इतने दिनों से बात कर रहा था, जब हम ब्रांडिंग करने शुरू करेंगे, करेक्ट। तो आपने 50,000 दिए तो 50,000 में तो 54,000 दिए मोटा मोटी हमने एज अ आप यूपॉज मान के चलिए, ये तो हमने वापस ही कर दिया आपको जिसको आप यूपॉज बेच रहे हैं, और इस छोटी सी कॉस्ट में उनको 20 करोड़ प्रोडक्ट मिल रहा है। आज किसी भी दुकानदार से बोलिए कि आपको 20 करोड़ प्रोडक्ट अगर अपनी दुकान में रखने हैं तो कितना कॉस्ट आएगा, वो खड़ा हो जाएगा, बोले भैया ये हर कोई नहीं कर सकता जो आप बोल रहे हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। बट आप अगर उसको यूपॉज तरीके से समझाएंगे तो उसको समझ में आएगा वो कितनी बड़ी चीज के लिए एंटर कर रहा है। जैसे आज जियो मार्ट बोल रहा है भाई वो आपकी दुकान को 50,000 प्रोडक्ट की दुकान बना देंगे, जैसे मैंने कई जगह पढ़ा है वो 50,000 दुकान बनाने की बात कर रहा है, बट 4.5 से 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट भी है, टर्म्स एंड कंडीशन भी बहुत सारे हैं कि आपकी दुकान ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, डिजिटलाइज करने के लिए ये पैसा देना है। वहीं पे ग्लोबल गार्नर क्या बोल रहा है, टोटली फ्री, और एज ए ACP आप इसी बंदे को अपना यूपॉज भी फ्री में एज एन एजेंट दे सकते हैं, उसका क्या फायदा, अभी आगे हम बात करने वाले हैं। मिनिमम गारंटी ऑफ बिजनेस, मैं इसमें नहीं जाता हूं। एंड फाइनली दी ब्रह्मास्त्र, जो मैं अभी बार बार बोल रहा हूँ कि एज अ ACP आप यूपॉज वाले को बोलिए, सर अगर आपके पास 100 कस्टमर भी हैं तो मैं आपको बता सकता हूँ 30 लाख रुपए महीना साल का कैसे कमाएंगे ग्लोबल गार्नर से, और इसके लिए भी मैं आपसे कोई पैसा नहीं लूंगा, क्योंकि मैं आपको यूपॉज फ्री में दूंगा, मैं आपको मेरे अंडर में एजेंट बनाऊंगा। अब आपको मुझ पर विश्वास नहीं है, जबकि मैं ग्लोबल गार्नर का यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव हूँ, एक्सक्लूसिव रिप्रेजेंटेटिव हूं, क्योंकि मैं पिन कोड पे, मेरे पास ही हक होता है इस पिन कोड पे काम करने का, मगर आप ग्लोबल गार्नर में किसी भी तरीके से इंक्वायरी कर लीजिए, वो आपको यूपॉज फ्री में नहीं देंगे, मतलब नहीं देंगे, क्योंकि मैंने भी पूरा पैसा देके ये यूपॉज खरीदा है। तो अब आपके पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी, क्योंकि आपको ऐसी बात है वो हमारे पास इंक्वायरी करेगा, हम तो फ्री देने वाले नहीं है, करेक्ट। अब आपको इस कैलकुलेटर पे अपने आप को पारंगत करना है, जो मैं कैलकुलेटर अब आपको दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि ये कैलकुलेटर आपको अपना जो मकसद है उसको स्थापित करने में हेल्प करेगा, कि आप उनको बोल सकते हैं, सबसे पहले आप इनको मान के चलिए, आप इनको यूपॉज बेचने गए हैं, इनसे 54,000 लेके बेचने गए हैं, तो आप उनसे पूछिए कि सर आपको क्या ROI एक्सपेक्टेशन है, और ये मैं जो एक्सेल आपको दिखाने जा रहा हूं
जिस तरह से मैं बता रहा हूं आपको इसी तरीके से अपने लोगों से बात करनी है जिसको भी आप यूपॉस पिच करने गए हैं। पहले उनकी गोल सेटिंग कर दीजिए, जैसे डॉक्टर करता है ना, वो पहले अपने पास सारी चीजें लिख लेते हैं कि आपने बोला ये सिम्टम था, ये सिम्टम था, ये सिम्टम था, और फिर जब आप अग्री करते हैं ये सारे सिम्टम है, तब डॉक्टर आपको जो दवाई देता है आप उसके बाद नहीं बोलते हैं नहीं नहीं आपने दवाई दी थी मुझे असर नहीं करी, मुझे ये प्रॉब्लम और थी। तब डॉक्टर आपको बोल सकता है सर आपने जितनी प्रॉब्लम बताई थी उसके हिसाब से मैंने सोल्यूशन दिया था। तो वैसे ही आपको अपने यूपॉस पे, जब किसको यूपॉस देने गए हैं, एक सेक्सेकल को वहां पे खोलेंगे और बोलेंगे सर ये बताइए आप 54,000 का ये सॉफ्टवेयर खरीद रहे हैं और अभी मैं मान के चल रहा हूं कि आपको मैं ना 50,000 रुपए के मूवी वाउचर दे रहा हूं, ना डिस्प्ले पर बैनर दे रहा हूं, ना आपको टाइम्स ऑफ इंडिया में कोई ऐड का फायदा मिलने वाला है। मान के चलिए ये 54,000 शुद्ध इन्वेस्टमेंट है इस सॉफ्टवेयर के लिए, इस सॉफ्टवेयर को खरीदने की फुल कॉस्ट है ये और आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है। आप कितनी आरओआई अगर आपको ये सॉफ्टवेयर देगा कि आपको लगे कि ये सॉफ्टवेयर वर्थ है खरीदने का। अब वो कुछ ना कुछ तर्क वितर्क दे के बोलेंगे 15%, 20%, 25%। अगर जेन्युइन बिजनेसमैन है तो 25% से ऊपर नहीं जाएगा। अगर जाता है, अगर वो शख्स जाता है तो आप बोलिए सर मुझे ऐसे और बिजनेस बताइए ना जहां से आपको ये आरओआई आ रहा हो, क्योंकि और लोग भी चाहेंगे उस बिजनेस में पैसा लगाना। तो आप कोशिश करिए उनको जितना जेन्युइन रख सके उतना जेन्युइन रखिए। तो 20-25% बहुत हाई हो गया किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। आप वर्ल्ड की अच्छे से अच्छी फ्रेंचाइज बाय कर लीजिए, वो 15-20% से ऊपर आरओआई किसी को नहीं देती है, चाहे वो फूड की हो, चाहे वो गोल्ड की हो, चाहे किसी भी चीज की फ्रेंचाइज हो। अब यहां पे जब आपने एक बार एक्सपेक्टेशन सेट कर दी, अब उनको बोलिए सर अगर मान लीजिए मैं इसको आपको 100% आरओआई बताऊं कि ये प्रोडक्ट आपको 100% आरओआई देगा, तो आप क्या इस यूपॉस को मुझसे खरीदेंगे? मेरे हिसाब से उसका आंसर हमेशा होगा हाँ जी, अगर इतना हो गया तब तो क्यों नहीं खरीदेंगे। बस आपने पहली गोल सेटिंग की चाबी वहां पे बांध दी कि अब अगर वो यूपॉस नहीं लेते हैं आपके पूरा एक्सप्लेनेशन देने के बाद, वो अपनी बात से पीछे जा रहे हैं, आपकी बात खराब नहीं हो रही है, क्योंकि आपने उनको ये करके दिखाया है कि सर इस प्रोडक्ट में 100% की आरओआई पॉसिबल है। अब उनसे अगला सवाल पूछिए, क्या सर आप 10 कस्टमर इसमें ऐड कर सकते हैं हर महीने इस आरओआई के लिए? तो जनरली जब भी हम किसी वेंडर से बात कर रहे होंगे या किसी को भी ये यूपॉस देने गए होंगे, बोलेगा 10 क्यों, मेरे पास तो 100 कस्टमर है, 1,000 कस्टमर मैं एक साथ ले आऊंगा। आप उनको बोलिए नहीं सर, अगर केवल 10-10 पकड़ के भी चले, आपको मैं टारगेट देता हूं कि साल भर के केवल 120 कस्टमर, क्योंकि 10 हर महीने कर रहे हैं, मतलब साल भर के 120 कस्टमर हुए। वो बोलेगा हाँ जी, तब तो बहुत ही आसान है, आराम से कर पाएंगे। आप बोलिए सर आपको पता है आपके इस यूपॉस में एक बहुत यूनिक फीचर है कि आप अपने साथ 18 एजेंट्स बना सकते हैं जिनको आप सेम यूपॉस दे सकते हैं बिना किसी कॉस्ट को लिए हुए या दिए हुए। ग्लोबल गार्नर को कोई कॉस्ट नहीं चाहिए, ये इनबिल्ट फीचर है इस यूपॉस का कि आप 18 एजेंट्स क्रिएट कर सकते हैं अपने अंडर में, और उन एजेंट्स को आप फ्री में यूपॉस दे रहे हैं। तो आप सिंपल उनसे नेगोशिएट कर लीजिए कि जो भी कमीशन आएगा वो 50-50 करेंगे, क्योंकि 54,000 रुपए मैंने दिए हैं आपसे, मैं 1 रुपए भी कॉस्ट नहीं ले रहा हूं। तो कोई भी खुशी खुशी आएगा, कहेगा यार मेरी दुकान डिजिटल हो रही है फ्री में, मेरी दुकान में मेरा जो भी प्रोडक्ट है वो दूसरे लोग बेचना शुरू करेंगे फ्री में। अब ये भाई साहब बोल रहे हैं मेरी दुकान को यूनिवर्सल दुकान बना देंगे फ्री में, तो इससे अच्छी क्या बात है, बिल्कुल कर सकते हैं। बोलिए कि उनको जिनको आप एजेंट बना रहे हैं उनकी भी टारगेट बहुत छोटा सा दे दीजिए कि 5 कस्टमर महीने के साल भर तक, उसके बाद कस्टमर लाने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ साल भर तक 5 कस्टमर। तो देखा जाए तो टोटल हर महीने आपके यूपॉस में आप 100 ग्राहक ऐड करेंगे, 100 ग्राहक। आसान है, क्योंकि 10 आपके और 90 इनसे आएंगे 18 लोगों से, क्योंकि 5-5 ये लाएंगे तो 90 होंगे। सो साल भर में आप देखेंगे तो 1,200 कस्टमर आपने ऐड किए होंगे अपने यूपॉस में। अब उनको वापस ले जाइए कि सर ये जो खर्चे हैं यूजर के, वो आप पकड़ के चलिए मोटा मोटा 6 लाख रुपए होगा। यहाँ पे पहले मैं 100% कर देता हूँ, फिर हम इसको जब छोटा करेंगे तब हम इसको समझ लेंगे। पचास लोगों को लोन बेचना और 100% कस्टमर को अपना ये बेसिक चीजें देना और 50 लोगों को रियल स्टेट बेचना। अब जिसको आप यूपॉस बेचने गए हैं, जिससे आपने 54,000 का प्रपोजल दिया और उन्होंने बोला कि अगर ये 100% आरओआई होगा तो मैं इस प्रोडक्ट को तुरंत खरीद लूंगा,
अब आप उनको ये बताइए सर आप 120 कस्टमर को जो सर्विस दे रहे हैं केवल उसकी वजह से आप 50 लाख रुपए कमा पाएंगे केवल अपने कस्टमर से। अभी मैं एजेंट वाले कस्टमर पे नहीं आया हूँ, केवल अपने कस्टमर से 50 लाख रुपए साल का, करेक्ट। आपके एजेंट जो होंगे वो भी पैरेलली 4 लाख रुपए 4,14,000 रुपए कमा रहे होंगे क्योंकि वो 5 कस्टमर लेके आ रहे थे हर महीने आपके लिए साल का। ये जो भी मैं नंबर बता रहा हूँ ये सब साल का है, बट क्योंकि वो 4,14,000 कमा रहे हैं तो ये उनका 50% है, तो उनका 50% आपको भी आ रहा है क्योंकि आपने रेशियो सेट किया था, तो 75 लाख रुपए जैसा आपको भी आ रहा होगा साल का, करेक्ट। अब एक यूपॉस पे अगर आप देखोगे इन टोटालिटी, अगर हम 10% अभी मान के चले कि हमारे माय सर्किल में जाएंगे और बाकी 90% आईसी में जाएंगे, तो एक यूपॉस की कमाने की कैपेसिटी एटलीस्ट 2.5 करोड़ रुपए साल की है, 18 एजेंट के साथ और 10-10 केवल अपने यूजर्स के साथ, करेक्ट। अब ये हो गई बहुत बड़ी बात, ये आदमी को समझ नहीं आएगा कि यार मैं केवल 54,000 का सॉफ्टवेयर लूंगा और मैं इतना बड़ा पैसा कैसे कमा लूंगा। आपको उनको दिखाना पड़ेगा सर देखो मैंने यहाँ पे लिया है कि एक परिवार का खर्चा करीब 5,76,000 हमारे पास आ रहा है जिसपे हमें ये कमीशन मिल रहा है 0.3% 0.5% 3% 5% 0.25% और फिर बाकी 2%, जबकि कंपनी हमें इससे ज्यादा कमीशन देती है। बाटा बेचने पे ज्यादा मिलता है, लिवाइस जींस बेचने पे ज्यादा मिलता है, एरो शर्ट बेचने पे ज्यादा मिलता है, बट कंपनी अभी कहीं भी वो कंसिडर कर ही नहीं रही है। जो बॉटम मोस्ट कमीशन है अगर वो कंसिडर कर रहे हैं तो आप ये कमा रहे हैं, बट अब उनको आप डिजास्टर दिखाना शुरू करिए, जो हमारे कॉन्सेप्ट में हम बार बार करते हैं कि पहले हम बिल्कुल हाई ले जाते हैं और फिर बिल्कुल नीचे लेके भी दिखा देते हैं कि अगर आप बस से बदतर भी सोच लें तो भी क्या इनकम आ सकती है, करेक्ट। अब सबसे पहले तो हम माय सर्किल को जीरो कर देते हैं क्योंकि इससे रेफरल इनकम बहुत बड़ी आती है, तो ये जीरो हो गया तो मेरा सीधे सीधे 1,20,00,000 रुपए कम हो गया एज ए यूपॉस। अब मैं सारी चीजों को जीरो कर दूंगा, मैं मान के चलूंगा कि मैं रियल स्टेट भी नहीं बेच पा रहा हूँ, मैं हॉलीडे भी नहीं बेच पा रहा हूँ, मैं फ्लाइट भी नहीं बेच पा रहा हूँ, मैं लोन्स भी नहीं दे पा रहा हूँ, इन नटशेल मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ राशन बेचने के अलावा मैं और मेरे लोग। उसके बावजूद आप देखोगे उसके यूपॉस पे 4,39,000 रुपीज की इनकम आ रही है जो अभी भी उनकी एक्सपेक्टेशन से 700 गुना ज्यादा है सिर्फ एक सेगमेंट। और अगर वो सच में व्यापारी है तो कोई उल जलूल सवाल ना पूछते हुए वो उल्टा आपको बोलेगा यार ऐसे कैसे हो सकता है मैं सब कुछ जीरो करूंगा, तो बोलो सर अगर जीरो करते हैं तो ये है, अगर जीरो नहीं करते हैं तब तो मैंने जो आपको दिखाया वो है, या आप अपने हिसाब से ये जो कॉलम्स हैं जितने भी ब्लू कॉलम्स हैं इनमें आप वैल्यू अपने हिसाब से डाल सकते हैं। आपको लगता है किसी परिवार का 5,000 रुपए लाइट बिल मोबाइल बिल ये सब मिला के नहीं आता होगा तो आप फिगर यहाँ पे अपने हिसाब से चेंज कर लीजिए। आपको लगता है एक घर का राशन का बिल 10,000 रुपए का नहीं है तो आप उसको अपने हिसाब से चेंज कर दीजिए। आपको लगता है घर में कपड़े जो आते हैं कपड़े लगते हैं घड़ी वड़ी जो आती है वो 60,000 रुपए साल की नहीं आती है तो आप उसको कम कर दीजिए। आपको जो करना है वो यहाँ पे आप कर सकते हैं, मैं कम ज्यादा की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूँ जीरो, क्योंकि जीरो से नीचे तो कुछ होता ही नहीं है। सिर्फ 10 कस्टमर को महीने की सर्विस दे के अगर आप इतनी बड़ी इनकम कर सकते हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी आरओआई वाला बिजनेस है। और आपके एजेंट भी बिना 1 रुपए दिए हुए 39,000 रुपीज मंथली कमा रहे हैं, साल का कमा रहे हैं, जब हम डिजास्टर की बात कर रहे हैं, करेक्ट। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आप आ जाइए, आप अगर ACP हैं और आप उस वेंडर को ये फ्री में देना चाहते हैं, सेम एग्जाम्पल फ्री में देना चाहते हैं, उससे बोलिए केवल 100 कस्टमर हैं उनको लेके आ जाओ अपने 100 कस्टमर पे, जो वेंडर कमाएगा वो कमाएगा करीब 30,000 रुपए। अगर हम यहाँ पे जीरो कर देते हैं तो अगर इसको वापस हम अपना ले लेते हैं 100% और पहले हम बड़ी फिगर देखेंगे फिर डिजास्टर फिगर भी देखेंगे। बट इस कैलकुलेटर को आप जितना ज्यादा यूज करेंगे उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ मैं इसको आराम से सेल कर सकता हूँ यूपॉस को। क्योंकि अब आपने वेंडर को क्या बोला, भाई तुम्हारे पास 100 कस्टमर है केवल उनको लेके आओ और क्योंकि मैं यूपॉस तुमको फ्री में दे रहा हूँ 50% मेरा। आपने उनको एजेंट बना दिया अपने यूपॉस में, फ्री में उनको यूपॉस दे दिया। अब वो 23,77,000 रुपए साल का कमा रहे होंगे आपसे,
और अभी भी आपने उनकी माय सर्किल इनकम को जीरो कर रखा है, पहले इसको 10% करके केवल देख लेते हैं कि अगर 10% कस्टमर जो उसके पास हैं उनको वो केवल माय सर्किल समझा देता है तो उनको क्या इनकम मिलने वाली है। तो एक यूपॉज वाला आराम से अपने पास से करीब 1,23,00,000 रुपए कमा सकता है एवरी ईयर। ध्यान रखिए अभी भी खर्चे वही हैं, मैंने खर्चे नहीं बढ़ाए हैं और आप भी इसको अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया। मगर एक वेंडर के लिए ये अपने आप में एक अचंभा होगा कि मुझे फ्री में सॉफ्टवेयर भी दिया भाई ने, मुझे फ्री में डिजिटलाइज भी किया, मुझे सेल्स भी लाके दे रहा है मेरे अपने बिजनेस में, और मुझे अब इतने बड़े ग्लोबल इकोसिस्टम का भी पार्ट बना रहा है कि अब मैं बिग बाजार भी बेच पा रहा हूँ, मैं शॉपर स्टॉप भी बेच पा रहा हूँ। इसके लिए भी जो सॉफ्टवेयर की कॉस्ट थी वो भी इन्होंने मेरे लिए जीरो कर दी। तो आदमी तुरंत आपसे ये आपके साथ आ जाएगा एज ए वेंडर, इसी को आप पार्टनर बना दीजिए। अब अगर आप चाहते हैं इनको यूपॉस तुरंत बेचना, तुरंत इनको यूपॉस बेचना चाहते हैं, तो यहीं पे एक चीज दी हुई है जिसको आप इनको दिखा सकते हैं कि सर ये देखो ये आपकी अपॉर्चुनिटी लॉस है। क्या है वो अपॉर्चुनिटी लॉस? सिंपल बोलिए ये आपका एक्चुअली इनकम नहीं है, ये आपका लॉस हो रहा है। 23,00,000 रुपए आप महीना लॉस करते हैं, कैसे साल का लॉस करते हैं कैसे? क्योंकि आपको मैंने 50% पार्टनरशिप दी है, तो एक्चुअली आपके यूजर पे जो कमाई आ रही है वो करीब 47,00,000 रुपए आ रही है, बट उसका केवल आपको इतना मिल रहा है, बाकी 50% तो मुझे आ जाता है। अब आदमी कैलकुलेट करेगा तो बोलेगा यार ये तो सही बात है, और यूपॉस की कॉस्ट कितनी है 54,000 और मैं लॉस कितना कर रहा हूँ 23,00,000 रुपए, तो इससे बेटर है मैं अपना यूपॉस क्यों ना ले लूं। ये तो हो गई बड़ी बड़ी बातें। वापस वही करें, जीरो करें हर चीज को। तो वापस जीरो करते हैं, हर चीज जीरो, हर चीज जीरो, हर चीज जीरो, केवल राशन के बिल को हम रखेंगे अपने पास, हर चीज जीरो। अगर ये भी आप करके देखेंगे तो भी, और रेफरल को भी जीरो कर देते हैं जीरो, तो भी 66,000 रुपीज आप कमा रहे हैं, आपका वेंडर कमा रहा है, जो कि 5,500 रुपए महीना हुआ। इतना भी वो कमा रहे होंगे तो भी वो आपसे यूपॉस ले लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि वो बोलेंगे यार मैं ईएमआई पे भी अगर 54,000 रुपए ले लूं किसी से, बैंक भी मुझे देने को तैयार होगा, कोई भी मुझे देने को तैयार होगा, मेरी ईएमआई आएगी महीने की 1,500-2,000 रुपए, और मैं क्यों दूं अपना 5,000 रुपए किसी और को? क्योंकि अगर वो 2,000 रुपए ईएमआई के लिए तैयार हो जाएंगे तो 10,000 रुपए में से फिर क्या है, उनकी इनकम कितनी होगी? 11,000 रुपए महीना, जिसमें से 2,000 कम कर दीजिए, 9,000 रुपए महीने पे। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि अगर यूपॉस में डिजास्टर बिजनेस भी कर रहा है आपका वेंडर, तो भी वो आपको कमा के दे रहा है, और थोड़े दिन बाद वो अपने आप बोलेंगे यार ये 5,000 रुपए मुझे हर महीने मिलता है, मतलब 5,000 रुपए मेरे यूपॉस वाले को भी जा रहा है जिनके अंडर में मैं एजेंट बना हूं, तो इससे बेटर है मैं मेरा यूपॉस ले लेता हूं, मुझे ये 2,000 रुपए की ही तो ईएमआई आएगी, क्योंकि अब तो मुझे पता है ये बिजनेस कैसे होता है। आप अगले महीने ही उसको यूपॉस दे पाएंगे जिसको आप बेचना चाहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, मैं बार बार इस बात को अंडरलाइन कर रहा हूं, क्योंकि आपको एज ए एसीपी अपने अंडर में उसको एजेंट बनाए रखने में भी फायदा है, और अगर वो यूपॉस खरीदते हैं तो भी आपको फायदा है। और एक समय के बाद जब कंपनी 9,00,000 यूपॉस पे पहुंच जाएगी, तब वो यूपॉस फर्दर खरीद नहीं सकते, तो उनको क्या होगा कि भाई मैं कहां से यूपॉस बाय करूं? आप वो यूपॉस तो बाय कर नहीं सकते, तो उनको आपके अंडर में ही एजेंट बने रहना पड़ेगा। तो एज अ यूपॉस ओनर आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट क्या मिलता है कि लेट से आप एक भी यूजर नहीं ला रहे हैं, जीरो कर देते हैं इसको, तो भी आपके जो, क्योंकि यूपॉस एजेंट जो है वो आपको पैसा कमा के दे रहे हैं, तब भी आप 3,24,000 रुपए कमा रहे होंगे। तो जैसे अभी किस कोई थे जो मुझे पूछ रहे थे सर ये तो मेरे लिए एक दिन भर का काम हो जाएगा, तो आप अपने लिए आदमी रख लो ना। और सिर्फ अगर केवल मैं बोल रहा हूँ राशन बेच रहे हैं, तो अगर हमारे हर चीज को थोड़ा थोड़ा भी हम ले लेते हैं कि भाई चलो 100% हम वो जो 50,000 रुपए महीने खर्चा है यूजर का वो हम अपने पास लेके आ पा रहे हैं, 50 लोगों को हम लोन दे पा रहे हैं, 100% लोगों को हम फ्लाइट टिकट 3,000 रुपए का बेच पा रहे हैं, इस तरह कर करके जो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हैं वो एग्जाम्पल अगर मैं सेम ले लूं, और आप अपना एक भी यूजर नहीं ला रहे हैं, ध्यान रखिए सेल्फ का एक यूजर भी नहीं है, तो भी आपको एजेंट से करीब 1,00,000 रुपए कमाने मिल रहा है। एक सेकेंड, इसको जीरो करना पड़ेगा। करेक्ट, जीरो किया है तो क्यों ऐसा आ रहा है, ये नहीं आना चाहिए।
जस्ट होल्ड ऑन, ये फॉर्मूले में कुछ गड़बड़, अगर आप जीरो भी करते हैं तो भी ये बहुत बड़ी इनकम है आपके, जो यूपॉस वेंडर ये एजेंट से केवल जो आती है आपको, करेक्ट। तो ये आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे इस कैलकुलेटर पे, उतना ज्यादा आपको चीजें समझ में आएंगी। और इसमें अभी भी आप ध्यान रखिए, हम हाई रेवेन्यू प्रोडक्ट्स नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, फीफो और आरपीपी से जो आपको रेफरल कैशबैक आएगा वो कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। इवन अभी यहाँ पे तो हमने माई सर्किल भी नहीं कैलकुलेट किया है क्योंकि इसको हमने जीरो लिया हुआ है। और जो जीजी कॉइन का आप आगे चल के ट्रेड करेंगे, क्योंकि यूपॉस के लिए एक बहुत बड़ी बेनिफिट क्या है कि जितना उनको कमीशन मिल रहा है उसका 10 गुना उनको जीजी कॉइन भी मिलता है, ये बात ध्यान करिएगा। मान लीजिए आपको किसी ब्रांड को बेचने में केवल 1% कमीशन मिला जो रियल मनी में मिलेगा, मगर आपको साथ ही साथ 10 गुना मतलब 10% के जीजी कॉइन भी मिलेंगे। तो इफेक्टिवली देखा जाए तो आपका केवल 1% कमीशन नहीं है, वो 11% कमीशन है, क्योंकि अगेन आपके पास सबसे बड़ी एलिजिबिलिटी है कि आप माई सर्कल कंप्लीट कर पाए, क्योंकि आपको 6 यूपीवी केवल चाहिए। तो किसी भी एंगल से इस ट्रेड को आप समझेंगे, मेरे हिसाब से आपको फायदा ही दिखने वाला है, नुकसान आपको कोई नहीं दिखा सकता है। और ये कैलकुलेटर आपके सीपी एसीपी एमसीपी सबके पास है। अगर आपके पास नहीं है तो मैं इसको आज सुबह मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे भी अपने डाला हुआ है, आप वहां से लेके इस पे प्रैक्टिस करो, इसको समझो। जितना ज्यादा आप समझोगे उतना ज्यादा आप लोगों को समझा सकते हो। तो आप अपने वेंडर को, अपने यूपॉस को सबसे पहले फ्री में सिस्टम में लाओ, जैसे आज हमें इसने किया, जूम ने हमारे साथ किया कि जूम पहले हमें सिस्टम में लाया फ्री में, मगर जब हमने अंदर आए तो हमने इसके बहुत सारे बेनिफिट देखे, तो हमने पेड वर्जन आज ले लिए हैं। आज हम 6,000 रुपए महीने का इसका भरते हैं, और आने वाले समय में क्योंकि अब हमें लग रहा है कि ये हमारी 500 की कैपेसिटी भी भरने लगी है हर दिन की, तो हमें इसका और एक्सटेंशन चाहिए, जिसके लिए हमें 20,000 रुपए महीने इनको देने पड़ेंगे, और अगले महीने नहीं दिया तो ये बंद कर देंगे हमारा। इन्होंने आदत लगा दी, तो वैसे ही आपको यूपॉस की आदत लगानी है, पहले फ्री में दे दीजिए। वो 4 पैसे जिस दिन कमाएंगे वो अपने आप कैलकुलेशन करने लगेंगे, यार मैंने 5,000 इस महीने कमाया, मतलब 5,000 इस यूपॉस ने भी मेरे कमाया, तो मैं अपना क्यों नुकसान कर रहा हूं, मैं अपना खुद का यूपॉस क्यों नहीं ले लेता हूं। और कंपनी ने क्या बोला है, 9,00,000 यूपॉस पे पहुंचने के बाद यूपॉस बेचना बंद। तो जिन एजेंट्स को आप अपने पास एक्वायर कर लोगे वो जिंदगी भर आपके पास रहेंगे, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप जिसको चाहते हैं यूपॉस बेचना उसको बेच पाएंगे, जरूरी नहीं आप सबको बेचें। और क्योंकि एक एसीपी के पास मैक्सिमम बजट जो है वो 51 यूपॉस का है, जो एसीपी 51 से ज्यादा यूपॉस बेच रहा है मतलब वो किसी और का बजट खा रहा है, क्योंकि आप सिंपल कैलकुलेशन करेंगे, हमें 18,000 एसीपी बनाने हैं और 9,00,000 यूपॉस बेचने हैं। अगर आप डिवाइड करेंगे 9,00,000 डिवाइड बाय 18,000 तो केवल 50 आएगा एंड में। तो एक्चुअली देखा जाए एक एसीपी के पास बजट है केवल 50 यूपॉस बेचने का, तो जितने ज्यादा यूपॉस आप बेच लोगे 50 से ऊपर, आप एक्चुअली किसी और का बजट ले रहे हो अपने पास, और ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो आपको तुरंत एनकैश करनी चाहिए अपनी टीम के साथ। क्योंकि लेट से आपके पास 10 पार्टनर भी हैं तो एक पार्टनर पे आधा यूपॉस आता है, करेक्ट। तो आप जितनी जल्दी ये कर पाएंगे उतना जल्दी आप उसको अपने सिस्टम को खड़ा कर पाएंगे, और इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं इसको करने के लिए आपको केवल 2 महीना चाहिए। अगर आपने जिस तरह से हमने समझाया है इसी तरह फॉलो करते हुए अपने आप को समझा, क्योंकि कल जब हम बात करेंगे हमारे एसीपी के बारे में, क्योंकि यूजर और एसीपी कल मैं करने वाला हूं, वहां पे मैं आपकी गोल सेटिंग भी करूंगा, तो आपको समझ में आएगा कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये, और जिसके लिए आप कुछ भी खास मेहनत नहीं कर रहे हो। जैसे हमने आपको ओरिएंटेशन में दिखाया था कि जिन लोगों के पास शेयर्स आ जाएंगे इस कंपनी के फ्री में वो क्या अचीव करेंगे आने वाले समय में, करेक्ट। और एंड में आप उनको कंपैरिजन बता दो कि सर अगर आपको अभी भी 50,000 के बारे में, वैसे तो मैं आपको फ्री में दे रहा हूं बट 50,000 रुपए के बारे में अगर अभी भी आपको देखने में लग रहा है ये भारी काम है, तो मैं आपको बता दूं इस तरह के छोटे मोटे प्रोडक्ट भी बने हुए हैं दूसरे, जिसमें कुछ फीचर यूपॉस जैसे हैं बट फिर भी वो फिजिकल स्टोर हैं जहां पे आपको जाके ट्रेड करना है, आपके यूजर को आगे ट्रेड करना है, वहां पे कोई कैशबैक्स नहीं है, वहां पे आप कोई डिजिटल एनवायरनमेंट नहीं है कि आप यहां बैठे बैठे मद्रास में भी ट्रांजेक्शन करें, दिल्ली में भी करें, जालंधर में भी करें, उसके लिए ये लिंक्स यहीं पे दिए हुए हैं। तो ये प्रेजेंटेशन जब आपको मिलेगी तो आप इस लिंक्स पे जाके उनको दिखा सकते हैं। जैसे एक लिंक मैं आपको खोल के दिखाता हूं जिसमें अमेजोन इजी है। अब आप ये देखिए अमेजोन इजी अपना सॉफ्टवेयर कितने में बेच रहा है। सबसे पहले तो ये एक फिजिकल स्टोर है,
जिसमें ये अमेजोन का पूरा सेटअप करके दे रहे हैं कि कोई भी ग्राहक आए इनके पास और वहां से अमेजोन के जो प्रोडक्ट हैं वो ये बंदा बेच पाएगा जिसके पास अमेजोन इजी की फ्रेंचाइज होगी। हम क्या बोल रहे हैं कि आप अमेजोन के प्रोडक्ट इंडिया में कहीं भी बेच सकते हैं, आपका कस्टमर जहां है वहां बेचिए। यहां पे ये बोल रहे हैं कस्टमर को अपनी दुकान पे बुलाइए और आप उसको बेचिए। आप देखिए उसमें इन्वेस्टमेंट कितना है, 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है सिर्फ अमेजोन का, एक अकेला अमेजोन। वहीं पे ग्लोबल गार्नर क्या दे रहा है आपको, पूरी की पूरी इकोनॉमी। सिर्फ अमेजोन नहीं, फ्लिपकार्ट भी, अलीबाबा भी, उस जैसी 126 वेबसाइट, सिर्फ वेबसाइट नहीं ब्रांड्स भी, बिग बाजार, शॉपर स्टॉप, ये वो फलान ढिमकान। एंड में आपके लोकल वेंडर्स जो आने वाले कम से कम 36 लाख वेंडर्स तक हम पहुंचाएंगे यूपॉस को। आप सोच के देखिए कितनी बड़ी इन्वेंटरी मिल रही है और उसकी कॉस्ट हम क्या ले रहे हैं। उसके साथ हम फ्री मूवी वाउचर्स भी दे रहे हैं, उसके साथ पेपर पैम्पलेट्स भी दे रहे हैं, उसके साथ हम आपको उसका कैशबैक भी दे रहे हैं, क्योंकि जब आप 54,000 का यूपॉस खरीद रहे हैं तो हम 5 UPV भी आपको देते हैं। प्लस वहां पे कस्टमर के आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है क्योंकि कैशबैक है कस्टमर के लिए, यहाँ पे कुछ नहीं है। फिर भी कॉस्ट देखिए, कंपेयर करिए अपने प्रोडक्ट को, अपने आप आपको समझ में आएगा, खुद को पहले समझ में आएगा कि ये क्या चीज है। ये इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है कि कई बार जब मैं बता रहा होता हूं तो मेरे अपने आप, जितनी बार मैं बताता हूं मुझे अपने आप में लगता है कि कितनी बड़ी चीज बन गई है हमसे। और जितनी जल्दी आप ये समझेंगे उतनी जल्दी भी आप भी इसी कॉन्फिडेंस के साथ लोगों के सामने पिच कर पाएंगे। और इस तरह के एक नहीं दर्जनों इस तरह के ऑपरेटर हैं जो अलग अलग पैसा ले रहे हैं, चाहे आप बिग बाजार को ले लीजिए, चाहे स्टोर किंग को ले लीजिए, कि सिंगल सिंगल आउटलेट 10-15 लाख का, और जो फिजिकल दुकान चाहिए उसका तो कॉस्ट अलग, ये तो केवल सेटअप करने का कॉस्ट है। और ग्लोबल गार्नर का यूपॉस तो इतना सिंपल है कि अपने मोबाइल में भी चालू कर लीजिए, घर पे बैठे बैठे भी बिजनेस करते रहिए, जहां आप बैठे इंटरनेट के साथ आपकी दुकान शुरू है वहां पे। तो ये बहुत बड़ी यूएसपी है जो आपको इस कैलकुलेटर से समझ में आएंगी। क्योंकि अभी भी जैसे मुझसे लोग पूछते हैं, जैसे अभी हमने जब शुरुआत किया उन्होंने बोला सर हम एजेंट बना रहे हैं, अब हमारे पास एक ही काम रह जाएगा कि हम एजेंट को वॉलेट उसका अप्रूव करें बैठ के। भाई साहब अगर इतना ट्रांजेक्शन आ रहा है तो आपको पता चल रहा है कि आप 70-80 लाख रुपए साल का कमाएंगे, क्योंकि अगर आप 1 रुपए का अपना बिजनेस नहीं कर रहे हैं फिर भी आपके एजेंट की वजह से आप पैसा कमाएंगे। क्योंकि अगर एजेंट 4 लाख रुपए साल का कमा रहे हैं तो हर एजेंट आपको 4 लाख रुपए दे रहा है, और आपके पास ऐसे 18 एजेंट है तो आप 75 लाख रुपए साल का कमा रहे हैं, भले आप अपना एक भी यूजर का खुद का ट्रांजेक्शन ना करें। तो अगर आप 75 लाख रुपए साल का कमा रहे हैं तो 10 आदमी का स्टाफ रख लीजिए 2-2 लाख रुपए वाले, 20 लाख रुपए जेब से जाएगा ना, इससे ज्यादा तो नहीं जाएगा। 20 लाख रुपए देके आप सिस्टम में बिल्कुल बाहर हैं, केवल आपने यूपॉस के एक्सटेंशन दे रखे हैं, फिर भी 50 लाख रुपए शुद्ध जेब में आ रहा है। क्योंकि आने वाले समय में हम यूपॉस जब बेचना बंद कर देंगे, इन लोगों को आपके अंडर में ही यूपॉस बन के रहना पड़ेगा एजेंट, करेक्ट। विद दिस आई कम टू एंड ऑफ माई प्रेजेंटेशन। अब आपके जो सवाल हैं आप हाथ उठा के मुझसे पूछ सकते हैं, आपको अपने ऐप में ही हाथ रेज करने हैं और आप अपना सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। और ये हाथ अभी के हैं कि पहले के हैं, बहुत सारे उठे हुए। मैं एक बार पहले वापस सारे हाथ नीचे करता हूं और फिर आप दोबारा उठाइएगा तो मैं अनम्यूट करता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग हाथ दिख रहे थे मुझे। ओके मिस्टर डीएन शर्मा, मिस्टर डीएन शर्मा जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। मिस्टर डीएन शर्मा जी आप अपने आप को अनम्यूट कर जा। हेलो जी। हाँ सर, मैं ये कह रहा था सर, अभी मैं कल अभी कुछ ई मित्र वालों के यहाँ पे प्रेजेंटेशन दे रहा था यूपोज को लेकर के जी। एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ई बाजार करके भी कोई इस तरह का आ रहा है कि सेम इसी तरह से? मैंने बताया ना इस ग्राउंड पे बहुत सारे लोग वर्क कर रहे हैं, बट वही है कि वो लोग ऐसे वर्क कर रहे हैं कि जहां पे कस्टमर उनके पास आए। जैसे मैंने बताया ना अभी अमेजोन इजी, मैंने आपको बताया कि अमेजोन इजी में लोग बोल रहे हैं कि भाई अमेजोन का माल बेचो, बट अमेजोन का माल कैसे बेचो, अपने यहाँ यूजर को बुलाओ, उसको टीवी पे अमेजोन के प्रोडक्ट दिखाओ और उसको बोलो कि कौन सा चाहिए, अच्छा ये चाहिए मैं मंगा देता हूँ। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट तो छोटे मोटे बहुत बन रहे हैं, बट वही है कैशबैक नहीं है, डिजिटल एनवायरनमेंट नहीं है। मैं तो आपको क्या बोल रहा हूं, आप यहां पे बैठे बैठे कहीं भी इंडिया में ट्रेड करो, कहीं भी किसी को कैशबैक दो, ये आपका यूएसपी है यूपॉस में। छोटा मोटा तो बहुत कुछ बन रहा है, मतलब अपने कितना पढ़ेंगे बैठ के, जैसे मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए हैं, आप इसका भी मुझे लिंक भेजेंगे तो उसका भी मैं स्टडी करके आपको दे दूंगा।
बिल्कुल बिल्कुल, मैंने भी उसलिए मैंने कहा आपको हो सकता है अच्छा होगा, लेकिन एक बार मैं भी इसको देख करके आऊंगा तब आप इससे इसके बारे में बात करूंगा। आप एप्पल टू एप्पल कंपेयर कर सकते हैं ना, जब आपके सामने प्रोडक्ट आएगा तो आप एप्पल टू एप्पल कंपेयर करके दे सकते हैं। जैसे हम लोग को पहले शुरुआत में बहुत डर आ रहे थे, लोग जियो मार्ट आ रहा है, जियो मार्ट आ रहा है, वो भी ऐसा ही कुछ ला रहा है, 50,000 प्रोडक्ट दे रहा है वो अपने जियो मार्ट में, हमारे में 20 करोड़ प्रोडक्ट है और वो भी सारे वेंडर्स के, कोई कंपेरिजन ही नहीं है। जब से वो आया तब से मेरा कॉन्फिडेंस और डबल हो गया है जी। थैंक यू। अच्छा एक चीज और मैं पूछना चाह रहा हूँ, इसमें कुछ RTDS या इसकी सुविधाएं जुड़ी हुई हैं कि मेडिक्लेम और या जुड़ने? सॉरी एक सेकेंड, आप म्यूट हो गए, फिर से वापस बोलिए, अनम्यूट करिए अपने आप को पहले। अनम्यूट करिए अपने आपको। हाँ हेलो, आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है, आ रही है भाई जी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ इसके अंदर अपने यूपोस फैसिलिटी में, अपने वेंडर के अंदर आरटीडीसी और मेडिक्लेम फैसिलिटी भी ऐड हो रखी है क्या? हाँ मेडिक्लेम तो है भैया, आरटीडीसी क्या होता है ये मुझे नहीं पता। सॉरी ये बसों की बुकिंग के लिए सरकारी बसें जो है? नहीं अभी वो नहीं है, सरकारी बस मतलब ये टिकट्स, बस के टिकट्स, रोडवेज बसों के टिकट, बस टिकट तो है ना, बस बुकिंग है अपने में, रोडवेज बसें हैं जी जी। ठीक, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मेरे नॉलेज में नहीं आ रहा था, मुझे कहीं दिखाई नहीं दे कस्टमर के। आप बस बुकिंग में जाएंगे वहां पे आपको मिल जाएगा, बस बुकिंग करके ट्रैवल में जब आप जाएंगे तो वहां पे बस बुकिंग करके है। मिस्टर संतोष लालवानी सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। मिस्टर संतोष लालवानी जी अनम्यूट करिए अपने आपको, बताइए। हाँ सर आवाज आ रही है। सर अभी का सेशन 15-20 मिनट का सेशन मेरा गया है, मुझे आपकी वॉइस नहीं मिली है, तो ये सुनने का है तो कहाँ से सुनूंगा वापस फिर से? मैं इसका लिंक अभी रिकॉर्ड जब हो जाएगा तो इसको यूट्यूब पे डाल के मैं आपको लिंक भेज दूंगा। दूसरा ये सेशन हमारे जो फेसबुक ग्रुप है उस पे लाइव भी हो रहा है, आप वहां पे भी जाके देख सकते हैं, और अभी आधे घंटे बाद इसका यूट्यूब लिंक हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल देंगे, तो आपने अगर टेलीग्राम में ग्रुप में है तो आपको वहां पे ये लिंक मिल जाएगा। ठीक है सर। मिस्टर मोहित। हेलो सर। या सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सपोज मैं यूपोज ओनर हूँ, अब मैंने अपना एक एजेंट क्रिएट किया है जी, देन वो एजेंट थोड़े टाइम तक मेरे साथ रहा, समझो उसने अपने 100 कस्टमर्स क्रिएट कर लिए जी, अब उसने मुझे बोला कि मेरे को अपना यूपोज लेना है जी, तो सपोज वो अगर अपना यूपोस लेता है तो जो उसका 100 कस्टमर्स का बेस था वो उसके पास चला जाएगा कि हमारे पास ही रहेगा, मेरे पास मैं ओनर हूं, मेरे पास रहेगा ना, आपके पास रहेगा, जो उनका नया यूपोस होगा उसमें वो ऐड कर सकते हैं उनको, क्योंकि अब वो अपने कस्टमर्स को फोन कर सकते हैं कि भाई मैंने मेरा यूपोस ले लिया है अब आप मेरे में ऐड हो जाओ। अच्छा मतलब कोई सिस्टम नहीं होता कि 100 कस्टमर्स, समझो ऐसे जैसे यूजर है तो वो क्या वो वाला जो कोड एजेंट वाला कोड है उसको अपग्रेड नहीं करते, हम नया यूपोस आपको दिलवाते हैं। ओके वो डेटा आपके अंडर में अटैच है इसलिए उसको हम अपने मर्जी से डिलीट नहीं कर सकते हैं। मतलब जो हम देना चाहे तो दे सकते हैं उनको, एजेंट को सारा डेटा। बिल्कुल बिल्कुल, एक्सेल से डाउनलोड कर सकता है और एक्सेल से तो उनके पास डेटा तो उनका ही है ना, आप कैसे उसको कंट्रोल कर? नहीं मैं मेरा कहने का सेंस क्या था कि समझो जैसे यूजर्स है तो वो खुद से कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो उनका जो यूपोस होता है वो सेक्टर प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं बताऊं, प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं बताऊं, जिस दिन उसने 4 यूजर से 10 रुपए भी कमा लिए ना वो आपको 100 यूजर पहुंचने ही नहीं देगा आपके यूपोस में। ओके नहीं बट सबसे बड़ी तकलीफ क्या होती है, उसकी कमाई कम ज्यादा हो चलेगा बट आदमी को क्या होता है कि दूसरा मेरे से कितना कमा रहा है, तो उसको एक बार बिजनेस समझ में आ गया तो वो ये सिंपल बोलेगा भाई मुझे यूपोस आप दिला दीजिए मैं बाकी उसमें करूंगा, जो कर्नाटका में अभी मैंने कितने लोगों ने किया। बट वो उसके लिए लॉस नहीं हो जाएगा? सपोज करिए समझे जैसे मैं किसी का यूपोस का एजेंट बन गया ठीक है, तो मैंने अपने 50 कस्टमर्स का भी बेस बना दिया तो उनके यूपोस में मैं ऐसे डिफॉल्ट सेट हो जाऊंगा, देन जब मैं खुद का यूपोस लूंगा देन फिर मैं उनमें डिफॉल्ट सेट नहीं होगा, मेरे को उनको वापस फोन करने वाले का लोग क्या करेंगे? मैंने आपने फिर मेरी बात पे ध्यान नहीं दिया, आप अपने सवाल में बिजी रहे। मैंने क्या बोला, जो समझदार आदमी होगा जो आपके अंडर में एजेंट बना है उसने जैसे ही 3-4 लोगों के साथ ट्रांजेक्शन किया और वो पहले 100-200 रुपए कमाए वो तुरंत आपसे बोलेगा हाँ ये काम करता है मुझे मेरा यूपॉस दिलवा दो। वो आपको इतने लंबे उस तक लेके जाने ही नहीं देगा,
क्योंकि वो तुरंत कैलकुलेशन करेगा कि अगर मैंने 5 यूजर पे 50 रुपए कमाए मतलब मैं 100 यूजर पे इतने कमाऊंगा, और फिर वो अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से बोलेगा यार मैं अपना यूपॉस खरीदूंगा भले लोन पे खरीदना पड़े। मान लीजिए उसके पास पैसे नहीं होंगे फिर भी वो कहेगा ना लोन कितना होगा 54,000 मान लीजिए आपने किसी बैंक से लोन लिया तो कितनी ईएमआई आएगी 1400 से 2000 रुपए तक या तो उतना तो वो कहेगा इतना रिस्क तो मैं ले लूंगा क्योंकि मैं इतना तो मैं देख ही पा रहा हूँ। मैं ये 4 लोगों से अभी मैंने ट्रांजेक्शन किया तो 400 रुपए आ गया। ओके 100 लोगों से करूंगा तो 10,000 रुपए महीना आएगा, तो उसमें से 2,000 रुपए देने में क्या दिक्कत है, मैं इनको क्यों लेने दूं 5,000 रुपए महीने का। समझा जो समझदार होगा वो तुरंत अपना यूपॉस खुद खरीद लेगा, और नहीं है तो आपके लिए तो लॉटरी है ही है ना। सही बात है, मैं बोल रहा हूँ एज एसीपी आपकी चिट भी आपकी है पट भी आपकी है। या ओके सर। और एक टाइम बाद जब हमारा 9,00,000 यूपॉस का टारगेट पूरा हो जाएगा एज अ कंपनी तो हम आपको की बातें फर्दर यूपॉस नहीं बेच रहे, तब उसको झक मार के आपके पास ही रहना है, तब अपग्रेड मिल नहीं सकता। ओके और मेरा एक वो था क्वेश्चन कि हमारे पास एक सिल्वर प्रोडक्ट भी है यूपॉस का लाइफ में, ये प्रोफेशनल प्रोडक्ट भी है, तो इनमें फर्क क्या है? सिंपल फर्क जो है वैसे तो वहाँ लिस्टेड है, बट मेजर फर्क यही है कि जब आप गोल्ड में अपने आप को कन्वर्ट करते हो तो गोल्ड में आपको एक आईपैड मिलता है हमारी तरफ से, या सैमसंग का टैब आप हमसे ले सकते हैं, या फिर और आपको उसमें अनलिमिटेड एजेंट्स बनाने की कैपेसिटी मिल जाती है, जैसे इसमें आप 18 बना सकते हैं केवल, उसमें आप अनलिमिटेड बना सकते हैं। ओके ओके थैंक यू। ओके ओके धर्मिष्ठा मैम आइए। अनम्यूट करिए अपने आपको जी। सर आवाज आ रही है ना? बिल्कुल परफेक्ट सर। इसके बाद में क्वेश्चन आंसर राउंड होने वाला है? ये क्वेश्चन आंसर राउंड ही हो रहा है, इसके बाद क्या होगा? 9:30 से 10:30 का जो एक डिजाइन है। हाँ, वो तो होगा ही होगा ना। कल नहीं हुआ था सर क्योंकि कल के कल, नहीं कल मैंने शुरू किया था, कल मैंने किया था कि नहीं किया था? नहीं हुआ था सर। नहीं, कल मैंने किया था बट शायद जल्दी खत्म हो गया था क्योंकि मेरे पेंडिंग में थे सर 10 क्वेश्चन कल के। वो करेंगे हम 9:30 बजे आज करेंगे, टेंशन नहीं लीजिए। सर अभी 4 है। हाँ बिल्कुल पूछिए। सर आपने जब कैलकुलेटर यूज कर रहे थे तब आपने बताया कि महीने के 5 कस्टमर जोड़ते हैं हम, तो यूपॉस ओनर को 50,00,000 की इनकम होती है, वो जरा मेरे को समझा नहीं सर। नहीं 5 कस्टमर पे तो उसको 74,00,000 रुपए की इनकम होती है, ये तो उसको अपने 120 कस्टमर पे मिल रही है इनकम, यानी वो 120 होता है यानी 5 हर महीने। 5 हर महीने तो एजेंट जोड़ रहा था ना। ओके एक मिनट रुकिए मैं आपको कैलकुलेटर खोलता हूँ, ये हो सकता है और लोगों का भी सवाल हो, एक मिनट होल्ड करिए। सर इसमें एक रिक्वेस्ट थी, ये वेंडर एजेंट एसीपी का कैलकुलेटर अलग अलग दिन अलग अलग डिस्कस करके ट्रेनिंग की ये आज, इसलिए मैंने अलग से ही केवल इसकी किया है क्योंकि इसमें ये दोनों चीज पैरेलल जाती हैं। okay. अब जैसे यूपॉस में मैंने आपको बोला कि भाई आपके अपने 10 आपके 10 अपने और 5 आपके एजेंट से। अच्छा तो आपके अपने कस्टमर कितने हो गए 120। हाँ। आपके इनके कितने हो गए 1,080। करेक्ट है। अब जो आपको इनकम आ रही है एक फैमिली से साल की जो इनकम आ रही है 13,800 रुपए आ रही है। करेक्ट। और आपने क्योंकि रियल स्टेट भी बेचा है उसकी भी इनकम आ रही है तो ये कुल मिला के हो जाता है 50,31,000। अभी थोड़ी देर रियल स्टेट और लोन को जीरो कर देते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा इनकम आ जाता है, अगर इन दोनों को जीरो भी कर दें तो भी 16,57,000 मुझे मेरे पे कमीशन मिल रहा है मेरे यूजर पे। ये चीज समझ में आई आपको? एज ए यूपॉस ओनर ये मेरी अपनी इनकम है मेरे 120 लोगों पे। यानी एज ए यूपॉस होल्डर में 16,56,000 रुपए एनम पर एनम मेरे को पर एनम आपको मिलेगा अगर केवल आपके पास 120 कस्टमर हैं आपके खुद के। सिंपल कैलकुलेशन है 120 को मल्टीप्लाई करिए 13,800 से ये आ जाएगा। आप चाहे अगर आपके हाथ में कैलकुलेटर हो तो आप करके देखिए 120 को मल्टीप्लाई करिए 13,800 से क्योंकि आप टोटल मिला के 13,800 रुपए साल का कमा रही हैं एक परिवार से। 180 रुपए कमा रही हैं उनका बिल पे रिचार्ज करके, 600 रुपए कमा रही हैं उनका राशन का बिल करके, इस तरह करके अलग अलग करके आप ऑलमोस्ट 13,800 रुपए साल का कमा रही हैं एक परिवार से। अब देखिए ये कितना छोटा दिख रहा है कि एक परिवार से मोटा मोटा केवल 1,000 रुपए मेरे पास आ रहा है, मगर जब वो मल्टीप्लाई हो रहा है 120 से तो ये इनकम आ रही है मेरे पास।
अब 16 लाख रुपए मैंने रियल मनी इनकम कराई तो 1,65,00,000 रुपए मेरे पास जीजी कॉइन भी आ गए। अभी रुक जाइए, मैं कॉइन पे नहीं जाता हूँ, पहले सॉरी कॉइन को डिलीट कर देते हैं। अभी मान लीजिए दूसरा, आपके ये एजेंट पांच बंदों को लेके आ रहे थे, इनको मिल रहा था 4,14,000 रुपए। अच्छा, करेक्ट। मगर 4,14,000 इनको मिल रहा है तो 4,14,000 मुझे भी मिल रहा होगा 18 लोगों से। Obviously, 50-50. तो 74,000 रुपए मुझे यहाँ भी मिल रहा है। तो इसीलिए मैंने बोला था कि अगर मैं अपने यूपॉस पे अपनी इनकम को जीरो भी कर दूं, देखते हैं होता है कि नहीं होता है अभी। हाँ जी, मैं अपने यूपॉस पे अगर अपनी इनकम, मतलब मैं मान के चलू मैं एक भी कस्टमर खुद का नहीं ला रहा हूं, सिर्फ मैंने 18 लोगों को अपना एक्सटेंशन दे दिया जो कि केवल 5 कस्टमर को महीने का सर्विस दे रहे हैं, तो भी मैं 74 लाख रुपए महीना साल का कमा रहा हूँ, और जो मेरा एजेंट है वो भी 65 लाख रुपए साल का महीने का कमा रहा है। अरे बिलीव नहीं हो रहा है, यानी देखते हुए बिलीव नहीं हो रहा है। मैंने इसलिए बोला ना, ये एक्सेल पे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो बिलीव होगा अपने आप, क्योंकि एक एक आंकड़े पे जब आप कैलकुलेटर देखिए, यही फर्क होता है एक बड़े कॉर्पोरेट में और हम जैसे छोटे आदमियों में, क्योंकि हम लोग अपने अपने आप को प्रोग्राम नहीं करते हैं। जैसे आज फेसबुक है, फेसबुक टोटल साल का 360 रुपए एक यूजर पे कमाता है। आप बोलेंगे ये कौन सी बड़ी इनकम है, 360 रुपए साल का, मतलब महीने का कितना रुपया हुआ, मोटा मोटा 30 रुपए। अब आप बोलेंगे 30 रुपए एक आदमी पे ये क्या इनकम हुई, मगर जब आप 200 करोड़ से उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देखिए क्या इनकम हो गई, राइट। तो हमारा यूपॉज आपको होलसेलर बनाता है, और देखिए खर्चे भी वही, और बेस्ट पार्ट क्या है, इसको भी आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूं कि एक परिवार का 5,000 रुपए का होता है लाइट बिल, वाटर बिल, ये बिल वो बिल मिला के। मैं तो कह रहा हूं चलिए कम ज्यादा भी नहीं करते हैं, अपने 0-0 कर देते हैं सब कुछ, केवल अपने राशन बेच पा रहे हैं ऐसा मान के चलते हैं, सब 0 कर दीजिए आप, तो भी 3,24,000 रुपए आपको आपके एजेंट से आ रहा है, जिसमें आप एक भी कस्टमर को सर्विस नहीं दे रहे हो। अगर आप अपने 10 कस्टमर को ले आओ, 120 कस्टमर आपके कर लो आप, तो आपको ये इनकम आएगी। एक सेकंड, माय सर्किल में पहले 0 कर देता हूं, जबकि माय सर्किल कैशबैक लोगों को बहुत पसंद आ रहा है हमारा, बट मैं मान के चल रहा हूं किसी को नहीं पसंद आ रहा है, तो आपको ये इनकम है 4,39,000 इंस्टेंट कैशबैक की बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ इंस्टेंट कैशबैक की बात कर रहा हूं कि जहां पे 100% लोग केवल इंस्टेंट कैशबैक चूज कर रहे हैं तो भी मुझे इतनी अच्छी इनकम आ रही है 4,39,000। ये अच्छी है कि बुरी, और ये 4,39,000 पर एनम सिर्फ और सिर्फ राशन बेच के, बाकी सब मैंने 0 कर दिया है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि बाकी सब 0 हो जाए। तो ये कैलकुलेटर पे आप खुद प्रैक्टिस करिए और खुद समझिए कि मैं क्या क्या चीजें बेच सकती हूँ, मैं क्या क्या इसमें कर सकती हूँ। मैं लेट से इसमें से लोन 10 बेच तो साल का हम आराम से बेच लेंगे, मैं 5 प्रॉपर्टी तो साल की आराम से बेच लूंगी, क्योंकि प्रॉपर्टी पे 100% कैशबैक तो दुनिया में कोई नहीं दे रहा जो ग्लोबल गार्नर दे रहा है। इस कैलकुलेटर को जितना ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा आप कितने बड़े गेम में हो। डीएमटी पे कैशबैक है? डीएमटी पे केवल कॉइन्स है, डीएमटी लोन इन सब पे कॉइन्स है केवल, यानी यूपी भी जनरेट नहीं होगी। यूपी भी जनरेट नहीं होगी बिल्कुल, क्योंकि डीएमटी पे इतना कमीशन नहीं है ना, 1-2 रुपए मिलता है हर ट्रांजेक्शन पे, और उसमें ट्रांजेक्शन वैल्यू पे है, मतलब उसमें परसेंटेज कमीशन नहीं है। और सर जीएसटी कितना लगेगा इसमें? डीएमटी पे, डीएमटी पे शायद जीएसटी नहीं लगता है ना, वरना जीएसटी अगर लगता भी होगा तो 18% से नीचे तो है ही नहीं ना, गवर्नमेंट का जो नॉर्म्स है वो तो नॉर्म्स ही है। देखिए लॉ ऑफ द लैंड तो वही रहने वाला है, नहीं भी है तो कल को अगर कोई कानून ऐसा आता है तो हमें करना पड़ेगा, हम देश में है तो हमें वो कानून तो फॉलो करना ही है ना। ओके सर, आपने एक और चीज बोले थे जी, आप एज ए यूपॉस होल्डर आपके पास जीजी कॉइन आ रहा है, लास्ट में बोले थे, वो मुझे समझा नहीं, 1% एडीवल। सिंपल समझिए, मान लीजिए आप बिग बाजार बेच के आपको 1% कमीशन आया, तो आपके लिए वो 1% कमीशन नहीं है, आपको 10% के जीजी कॉइन्स भी आएंगे। मतलब आपने मान लीजिए 100 रुपए बिग बाजार बेचने से कमाया, 100 की जगह अब 1,000 रुपए के जीजी कॉइन्स भी आएंगे आपके पास यूपॉस को। यानी ये जब ऑनलाइन वेबसाइट पे जब हम ट्रांजेक्शन करेंगे तब किसी भी तरह का, मतलब आपने यूपॉस पे कमीशन कमाया ना, जितना भी कमीशन कमाया आपने, मान लीजिए 1,000 रुपए कमीशन कमाया, सिस्टम जितने भी कमीशन आपने कमाया उसका 10 गुना आपको जीजी कॉइंस दे देगा।
ओके, ये तो सर मैं पहली बार सुन रही हूँ, मुझे नहीं पता। इसीलिए हम ये सब सेशन करते हैं ना कि ये सब समझ में आए लोगों को। ठीक है, आगे बढ़े मैडम, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। ओके ओके, हैदराबाद से लेते हैं क्वेश्चन। यादगिरी जी, मिस्टर यादगिरी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। मिस्टर यादगिरी, सर जी, सब जी, हेलो जी, बोलिए बोलिए। हेलो जी, बोलिए। अभी ये जो यूपास जो है 54,000 का, उसको जीएसटी के साथ 64,000 आएगा ना? जी, आई एम करेक्ट? जी जी बिल्कुल, आप करेक्ट हैं। ओके, तो मैंने बस ये चीज ही चाहिए मुझे। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। किसी ने मुझसे बॉक्स में पूछा है, जीजी कॉइन को मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। इट इज एज गुड एज कॉइन, जैसे आप माय सर्कल में। इसीलिए हमने बेसिकली दो लोगों को कॉइन्स हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं, एक हम दे रहे हैं यूपॉज वाले को, एक हम दे रहे हैं वेंडर को। वेंडर जो हमें 6% से ऊपर कमीशन दे रहा है, उनको हम डबल जीजी कॉइन दे रहे हैं। तो वेंडर ने जितना कमीशन दिया उसको वो माय सर्कल में डाल के कन्वर्ट कर सकता है मनी में। ओके, सो बिग अप्लॉज सर। मिस्टर ओपो, ओपो ओपो A37F, वैल्यू ऑफ जीजी कॉइन, 1 जीजी कॉइन इक्वल्स टू 1 रुपी। हेलो जी। हेलो जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि ये यूपीवी बिड और सेल हो रही है, कैसे हो रही है? क्या ये आज का सब्जेक्ट है सर? आज का सर अब सब्जेक्ट तो नहीं है। तो अगर मैं आपको सब्जेक्ट के बाहर का सवाल दूंगा और आप पेपर में फेल हो जाएंगे तो आप मुझे क्या बोलेंगे? ओके ओके सर, सॉरी सर। एक्चुअली क्या है, आज मेरे सीनियर थे उन्होंने। मिस्टर राजेश, मिस्टर राजेश, राजेश गोराडिया, मिस्टर राजेश गोराडिया आप अनम्यूट हैं, आप बात कर सकते हैं। क्या बात है, ये नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, छैला बाबू। छैला बाबू जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। ये सच का नाम है कि आपने हमारे लिए रखा है? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। हाँ जी, हाँ हाँ, हो रहा है जी, बताइए। ये 9 लाख यूपोज जो है जी, एक ये सब अगर बनाएंगे तो 1,18,000 एजेंट अपना बनाएगा सब, तो 1,62,00,000 सब नहीं बना पाएंगे ना, सिंपल समझिए। हर आदमी, ये फिर वही बात है, हर आदमी सचिन नहीं बन पाता है जितने लोग क्रिकेट शुरू करते हैं। अगर आप कैलकुलेशन करने लगे कि भाई आज इतने सारे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं और सब सचिन बन जाएंगे तो सबके पास 500 करोड़ कैसे आएगा? नहीं आएगा। उस जो पहले रेस में पहुंच जाएगा और पहले कर लेगा वो उसके पास रहेंगे। करेक्ट, तो फ्री में मिल रहा है तो कोई क्यों नहीं बनेगा ना? फिर वही बात है, ओवर क्राउड आप कर देंगे तो आपकी इनकम भी कम हो जाएगी ना। जैसे हमने अपने लिए लिमिट सेट करी कि 9 लाख यूपॉस से ज्यादा नहीं होने चाहिए, वैसे आप भी अपनी लिमिट सेट करेंगे ना? नहीं, हम नहीं कर रहा, लेकिन गांव में और जो कर रहा है, और दूसरा यूपॉस पूरा इंडिया में है जी, और वो करेगा तो उसको तो मिलेगा ना। हाँ, हमारी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हमारी तरफ से 9 लाख यूपॉस। हमारा हमारा दोस्त है वो मुंबई में है और वो मेरे से पहले ले रहा था और अब मुंबई में किसी और दोस्त के साथ जुड़ गया। ऐसे तो बहुत लोग जुड़ जाते हैं। मुझे लगता है क्वेश्चन हमें इम्पोर्टेंट वाले लेने चाहिए। मैं कर सकते हैं, आप फ्री हैं करने के लिए? ठीक है, थैंक यू। अच्छा, एक और है फटाफट। हाँ, ये जीजी कॉइन जो है ये अपना ऑनलाइन शॉपिंग में यूज नहीं होता ना? नहीं, ऑनलाइन में नहीं, जहाँ हमारा पेमेंट गेटवे चलता है वहीं पे यूज होगा। और मेरा एजेंट खुद का यूपोज लेगा तो मेरा कितना इनकम होगा उसमें? अब ऐसे बेसिक सवाल मत पूछिए प्लीज, आप हमारी मतलब देख सकते हैं, वहाँ पे दिया हुआ है सब की कैसे, और कल हम इस पे पूरा सेशन करने वाले हैं, टेंशन मत लीजिए, उसका भी हम एक्सेल आपको कल दिखाएंगे। एक लास्ट क्वेश्चन है जी, अगर मैं कोई गाड़ी लिया और उसमें 1,00,000 UPV जनरेट हुआ,
तो उसको मैं माय सर्कल में आधा और माय सर्कल आधा एफपीवी में आप कहीं भी ले जा सकते हैं। आपने एक करोड़ यूपीवी बना ली अपने माय सर्कल में, आप उसको कहीं भी ले जा सकते हैं, फीफो भी ले जा सकते हैं, आरपीपी ले जा सकते हैं बिना किसी कॉस्ट के। ओके ओके थैंक यू, धन्यवाद। ओके दीपाली मैडम ऑन करिए अपना, अनम्यूट करिए अपने आप को। ओके गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम, बताइए। मेरे चार सवाल है, फटाफट। पहला सवाल ये है, हाँ सर, मेरा पहला सवाल ये है कि यूपोज लेने के बाद में क्या हम हमारा माल कहीं पर भी बेच सकते भारत में? बिल्कुल, और बल्कि आपको वहीं के भारत के उसी शहर में, जैसे मान लीजिए अभी आप कहीं पे हैं, अभी आप किस लोकेशन पे रहती हैं? मैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में, अब मान लीजिए आपके कोई मित्र है जो दिल्ली में है, अब दिल्ली में उनको क्रोमा जाके कोई लैपटॉप खरीदना है, तो आप अपने यूपॉस से उनको बेच सकती हैं कि उनको आप सिंपल बोलिए दिल्ली के क्रोमा में चले जाओ, वहीं से सर्विस मिलेगा। ओके, ऐसा कर सकते हैं। बिल्कुल, यूपॉस की यही तो खूबसूरती है। यूपॉस में हम कौन से जगह के पार्टनर ले सकते हैं, या बेसिक जहाँ पर अभी जैसे मैंने अकोला में रहती हूँ तो मुझे सिर्फ अकोला के पार्टनर लेने पड़ेंगे, या फिर मैं महाराष्ट्र में कनेक्टेड किसी को भी अपना पार्टनर बना सकती हूँ? नॉट ओनली इन महाराष्ट्र, आप पूरे इंडिया में ट्रेड कर सकती हैं अपने पार्टनर और यूपॉस, आप अनलिमिटेड पूरे इंडिया में बना सकती हैं। ओके, और एक बात पूछनी थी, क्या ये कोऑपरेटिव बैंक अपना वेंडर हो सकता है क्या? एक मिनट मैडम, हमारे वहाँ शायद भूकंप आ रहा है, एक मिनट होल्ड रखिएगा, मैं चेक करके आता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल है ना बिल्डिंग, बिल्कुल, एक मिनट होल्ड रखिए भाई, हमारे वहाँ आज कुछ लग रहा है भूकंप आया। माय गॉड, गॉड ब्लेस यू। मेरी ये चेयर हिल रही है पूरी। चलो अच्छा, अभी बंद करो, मैं सेशन खत्म कर दूं पहले। ओके, हाँ जी, हाँ सर, ठीक है सर। हाँ, बस एक दो बार हिल के रुक गई, बताइए अभी। ओके, मैं ये पूछना चाहती थी कि कोई फार्मा कंपनी या कोऑपरेटिव बैंक को हम वेंडर बना सकते हैं अपने जीजी में? कोई भी आदमी जो हमें कमीशन दे सकता है उसका बिजनेस करने के लिए, उसको आप वेंडर बना सकती हैं। वो नहीं, लेकिन बैंक बनाता हो क्या? हाँ, बैंक बन सकती है क्या? अगर बैंक तैयार है तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो अच्छा ही है ना। ओके, तो उसके लिए नेशनलाइज बैंक चाहिए या कोऑपरेटिव बैंक चलेगा? कोई भी बैंक जो हमें कमीशन दे सकता है, वो हमसे काम क्या कराना चाहते हैं और उससे हमें कमीशन क्या देना चाहते हैं, दैट्स इट, है ना। अच्छा, तो ये यूपोज में भी हम एक बैंक को कवर कर सकते हैं? किसी को अगर मैं यूपोज लेती हूं, जो समझ लीजिए ग्लोबल गार्नर में आ गया, वो यूपोज में ऑटोमेटिकली आ जाता है। वैसा कुछ नहीं है कि ग्लोबल गार्नर अलग है और यूपोज अलग है। ग्लोबल गार्नर जिस भी वेंडर को पकड़ के लाता है वो यूपोज में अपने आप दिखने लगता है। ओके ओके, थैंक यू। और ये सिल्वर और गोल्डन का क्या है? उसके लिए आप वेबसाइट पे जाइए, उसको पढ़ लीजिए। मैं थोड़ा क्वेश्चन ले लूं फटाफट सेशन से रिलेटेड। ठीक है ठीक है, ओके सर, ओके मैम। मिस्टर अजय वाजपेयी, मिस्टर अजय वाजपेयी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो, हाँ जी, कहाँ गए? जी अजय वाजपेयी जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, बताइए। हेलो जी, हाँ, हम ये कह रहे थे कि जो ऐप है उसमें मूवी वाउचर का लिखा हुआ 30,000 और बोला जा रहा है 50,000 का, इसका क्या ये अंतर क्यों आ रहा है? अच्छी चीज है ना आपके लिए कि लिखित में हम 30,000 बोल रहे हैं बट दे रहे हैं हम एक्चुअली में 50,000। एक्चुअली हमें देना 30,000 था बट कुछ ऐसा हम लोग ने ऑफर निकाल रखा है कि अभी हम शुरुआत में देते रहेंगे 50,000 जब तक हमारे पास स्टॉक है। अच्छा अच्छा, ओके थैंक यू। देखिए ये कंपनी तो अच्छी हुई ना फिर तो, कि बोल मतलब हम लिख के कम दे रहे हैं बट दे ज्यादा रहे हैं।
आपको उल्टा सवाल मुझसे नहीं पूछना चाहिए, ये तो अगर चल रहा है तो आप चलते रहने दीजिए, ये ज्यादा ही मिल रहा है। ओके मिस्टर मनीष दुसाड, मिस्टर मनीष दुसाड, मिस्टर मनीष दुसाड आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। मिस्टर मनीष दुसाड थोड़ा जल्दी जल्दी करिए क्योंकि 12 मिनट केवल रह गए हैं अपने सेशन के लिए। ओके चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ओप्पो कर चुका हूं मैं। अच्छा एक बार सारे हाथ फिर से नीचे करता हूँ क्योंकि मुझे अभी भी पुराने हाथ बहुत सारे दिख रहे हैं। हाँ अभी आप हाथ रेस करिए जिनको भी क्वेश्चन पूछना है फाइनली। मिस्टर मनीष दुसाड आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। कहाँ गए अभी दिखे तो थे। मनीष भारद्वाज जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो जी जैन विकास जी। जैन जैन बोलिए। मुझे ये पूछना था ये यूपोस का जो वॉलेट है उसमें जो जितने भी फंड हम ट्रांसफर करते हैं जी, तो उसमें कितना सिक्योर है? कितना सिक्योर है? इट इज एज गुड एज बैंकिंग ना। अगर कल को उसमें कुछ हैकिंग वगैरह होती है तो उसमें कंपनी कुछ बैक करती है? उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपने जितना पैसा डाला वो आपका पैसा समझ लीजिए, हमारे पास सिक्योर है, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं क्योंकि वो बैंक में सिक्योर है। ओके जी ऑलराइट थैंक यू। मिस्टर मुरली, मिस्टर मुरली आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ यस सर, गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग सर, एक छोटा कैसे है यूपास का जो कॉइंस मिलेगा वो कब से हम लोग कैश कर सकते हैं? इमीडिएटली कर सकते हैं, जैसे ही आप माय सर्कल में आप पहुंचिए बॉक्स आपको मिलना शुरू हो जाए तुरंत उनको कन्वर्ट करना शुरू कर दीजिए। मतलब डायरेक्टली वी कैन सेंड इट टू बैंक डायरेक्टली, इसका कोई लिमिट नहीं है? 1 लाख होना है प्रोसेस है ना, आप तो अनोखा सवाल पूछ रहे हैं। जीजी कॉइन कैसे आप कन्वर्ट करते हैं मनी में? जब अपना टारगेट पूरा हो जाता है तभी से करने का है ना। एक्जेक्टली, तो जैसे ही आपको मिला वैसे ही आप उधर कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कॉइन बॉक्स 70 लाख रुपए का पड़ा हुआ है कि जिसमें 50 लाख के कॉइन डाल के कन्वर्ट कर सकते हैं, अब आपके पास कॉइन नहीं है उस समय, मगर इधर से आपने जैसे ही कमाया वैसे ही उधर डाल के कन्वर्ट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू। वैसे मैं सबकी जानकारी के लिए बता दूं एंड कोड मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं ग्रुप में, तो आप लोग एंड कोड को यूज कर सकते हैं। ये रहा एंड कोड, मैं दोबारा से कॉपी पेस्ट करके डाल देता हूँ। हमारा सेशन पूरा हो चुका है, तो अगर जिसके पास कोई सवाल नहीं है और सवाल सुनना भी नहीं चाहते हैं तो आप लोग एग्जिट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके अब किसका सवाल है? राहुल शर्मा जी, हर्षल पवार जी, हर्षल पवार जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं जी। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर मेरा ये सवाल था कि जैसे हम लोग यहाँ पर यूपोस लेते हैं जी, तो यूपोस लेकर के हम लोग जो एसीपी है, मान लेते मैं एसीपी हूँ और मैं यूपोस खरीदता हूँ जी, तो उसकी जो लाइन रहेंगी वो क्या रहेंगी, प्रोटोकॉल क्या रहेगा? एसीपी बन करके यूपोस लिया जाता है या यूपोस बन करके एसीपी बन सकते हैं? वो आपके स्टेट हेड से बात करिए ना, वो आपको बताएंगे। ओके थैंक यू सर। सर अगर भूकंप है तो आप सेशन क्लोज कीजिए प्लीज। नहीं अभी तो हिल के रुक गया सब कुछ। आप कुछ बोल रहे थे, कहाँ गए? आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। सॉरी वो गलती से म्यूट हो गया आपका। हाँ सॉरी आप कुछ बोल रहे थे अभी। चलिए गुड बाय। सॉरी अर्चल जी आप कुछ बोल रहे थे और म्यूट हो गए आप। हाँ मैं कल आपका पैशन देख रहा था, 3 बजे का सेशन आपने ऑन किया, कार ड्राइव कर रहे थे आप। अच्छा। और उसके बाद आपने सेशन शुरू करके आप भले पर आपका पैशन देख करके समझ में आता कि जो आंकड़े आप बता रहे हैं वो सच में हम लोगों को मिलने वाले हैं। अगर हमने आपके वाला है, सब साथ में आ जाएंगे, सब मिलने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सो मच सर। ओके मिस्टर परम, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। परम, मिस्टर परम। हेलो मिस्टर परम। मिस्टर परम कहाँ गए? साहिल पटेल जी, साहिल पटेल, मिस्टर साहिल पटेल।
साहिल पटेल जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। प्रदीप मौर्य जी, हेलो जी मौर्य साहब। सर मैं एक चीज पूछ रहा था, यूपोस में जैसे पार्टनर 18 बना रहे हैं अपन, 18 पार्टनर्स जी, वो उनके कस्टमर डेवलप करेंगे, हम भी साथ में हेल्प करके उनके कस्टमर्स डेवलप करेंगे जी। आने वाले समय में अगर वो यूपोस पार्टनर जो हम डिवाइड कर रहे हैं वो खुद खुद का यूपोस लेंगे जी, तो उसमें कस्टमर्स का डिवाइडेशन वापस कैसे होगा सर? कुछ नहीं, वो अपने सारे कस्टमर लेके जाएंगे, आपके में क्यों रखेंगे? नहीं, शुरू में तो उनको कस्टमर डेवलप करने के लिए हम लोग हेल्प करेंगे। फिर वही बात है, आपने हेल्प नहीं करी है, एक चीज ध्यान रखिए, फिर वही बात है, अगर आप सोचेंगे कि वो अपना यूपॉस एनीवेज, जब वो आपसे अपना यूपॉस ले रहे हैं तब भी वो जब कस्टमर को सर्विस दे रहे हैं तो आपको तो इनकम मिल ही रही है ना उससे, क्योंकि वो डिवाइड आप तय कर ही नहीं सकते आज की डेट में। अच्छा करेक्ट, वो उनका। और मैंने फिर वही बोला, देखिए जैसे ही किसी कोई भी समझदार आदमी होगा वो 5 यूजर पे 500 कमा के देख उसको मिल गया ना, वो अपना यूपॉस तुरंत ले लेगा, वो आपसे बहुत लंबा आपके साथ नहीं रहेगा एजेंट आपका, ये मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। ठीक है सर, है ना। कौन बाकी है? राजमणि कुमार जी। जी थैंक यू सर, मुझे बोलने का मौका मिला फर्स्ट टाइम, और दिल्ली से हूं मैं, नजफगढ़ का ही जी। फर्स्ट डे तो आपने मुझे वो रिमूव कर दिया था, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम था, मैं मुझे समझ में नहीं आया था। एनीवे सर मेरे से कुछ क्वेश्चन है जी, मेरे क्वेश्चन ये है कि सर जैसे हम बात कर रहे हैं अभी, आप बार बार जिक्र कर रहे थे कि राशन से ही इतनी कमाई हो सकती है, लेकिन मेरा क्वेश्चन है सर कि ये बिलिंग होगा तभी ये कमाई हो सकती है। वैसे एरिया में जहाँ पे लोग जो कॉलोनीज के दुकान से परचून सामान लेते हैं जी, वहां के लिए क्या हमने सोचा है सर, और वहां से कैसे बिलिंग तो वहां होगा ही नहीं, और इनकम कैसे होगा? फिर ध्यान ही नहीं दिया फिर मेरी बात पे, आप क्या हैं अभी सिस्टम में? सर 3-4 दिन पहले से ही अभी ACPG ज्वाइन किया है, ACPG ज्वाइन किया। दोनों ताकत आप ही के पास है ना, मान लीजिए आपके वहाँ बिग बाजार शॉपर स्टॉप जैसी ब्रांड्स नहीं है, तो आप किसी भी लोकल व्यापारी के पास जाइए, बोलो भैया मैं तुमको 1000 कस्टमर महीने के दूंगा, तुम मेरे वेंडर बन जाओ। ओ आई सी, हो गया काम खत्म, अब समझ गया, दवा समझ गया, मरीज भी आपके पास है, करेक्ट? ठीक है सर, समझ गया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मिस्टर सूर्यकांत, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जी सूर्यकांत जी, सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि हमने जो आपकी आवाज बहुत कट के आ रही है सूर्यकांत जी, मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। सॉरी सूर्यकांत जी, आपकी आवाज मुझे बिल्कुल नहीं आ रही है। हेलो सर, अभी आ रही है आवाज? आपकी आवाज बहुत अजीब सी वायलेंट टाइप की आ रही है, समझ में नहीं आ रही कुछ भी। अभी आ रही सर, थोड़ा बहुत आ रही है, चलिए बताइए। सूर्यकांत जी आपको बोल रहे हैं? सर मेरी आवाज आपको नहीं आ रही है सूर्यकांत जी, सॉरी, मैं और लोगों को तब तक ले रहा हूँ, आप अपना कनेक्शन सही करिए फिर वापस आप बताइए। राजेश गोराडिया जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। राजेश गोराडिया जी, धर्मिष्ठा जी, आप अपने आप को फिर से अनम्यूट कर सकती हैं। सर जी, अभी आप कॉमनली कहते हैं कि जो हमें 5% कमीशन देता है उनको हम वेंडर बना सकते हैं, लेकिन मैं आगे थोड़ा सा विजन लेके जा रही हूँ, मैं जहाँ ACP हूँ और वेंडर रिक्रूट करने जा रही हूँ,
और मैं अगर उस कम कमीशन को ही मैं वहां पे कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं मेरा नुकसान हो रहा है। वो क्यों हो रहा है सर? उसका कारण मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि मुझे हर बिजनेसमैन का जो मार्जिन ऑफ मनी होता है वो मुझे पता नहीं है। मुझे नेगोशिएट करना है तो उनका मार्जिन मनी पता होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं इस चीज का भी हमको ज्ञान लेना आवश्यक है सर। ज्ञान जो आपको हमने ब्रैकेट्स दिए हैं ना आपके सॉफ्टवेयर में, वो कहीं ना कहीं से हमने सर्वे किए हैं या हमारे पास वो कमीशन हमें अवेलेबल है, इसीलिए हमने वो आपको ब्रैकेट्स दिए हुए हैं। तो अगर आप समझना चाहती हैं उस बिजनेस में, तो ये मान के चलिए जो हमने ब्रैकेट्स दिए हैं आपको, वही कमीशन वो आराम से आपको दे सकते हैं। यानी उनको उनसे कहीं ज्यादा कमीशन मिल रहा है? बिल्कुल। आपने कोई एक रेशो पकड़े होंगे ना सर वो ब्रैकेट्स बनाने के? इसलिए बोल रहा हूँ, हमने लोएस्ट लिमिट भी दी है और हाईएस्ट लिमिट भी दी है कि अगर आप इतना बात करेंगे तो कस्टमर जो वेंडर है वो आपकी बात सुनेगा, अब फर्दर आप नेगोशिएट कर सकते हैं। दूसरा बेस्ट तरीका है इसको समझने का, आप सिंपल उस बंदे से बात करिए ना जो उस ट्रेड में बिजनेस में लोग हैं, उस ट्रेड की फ्रेंचाइज ओनर से बात करिए, अपने आप आपको मार्जिन पता चल जाएंगे। हम लोग ने भी ऐसे ही सर्वे किया है ना सर। वो तो ऐसा होता है, हमको तो इतना कमीशन है ही नहीं, इतना कंपटीशन है वहां, ऐसी बातें होती है सर के बोलो। आप सिंपल बोलिए ना उनको, आप दूसरी चीज बोलिए, फिर बोलिए हमारा यूपॉज ले लीजिए, इसमें इससे ज्यादा कमीशन तो हम ही दे रहे हैं आपको। ये आइडिया अच्छा है सर, यही अप्लाई करूंगी। और सर अगर टाइम है तो एक पूछूं छोटा सा मैम फटाफट, क्योंकि और लोग भी हैं और मैं बाद में सर बात करूंगी। हाँ, वो 9:30 में आप आइए ना, 9:30 में हम बता देंगे। श्योर। लास्ट एक दो क्वेश्चन का और समय है हमारे पास। प्रितेश पटेल जी, प्रितेश पटेल जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो जी। हेलो नमस्कार जी। सर मैं ये जानना चाह रहा था, अपने कि लोकल वेंडर पे तो यूपोस से शॉपिंग नहीं हो सकती ना, लोकल वेंडर से क्यों नहीं हो सकती है? लोकल वेंडर पे वो कैसे प्रोसेस करेगा शॉपिंग? सिंपल, आपने अगर लोकल वेंडर हमारे वहाँ है तो उसके पास सारी चीजें हैं ही है, तो आपको केवल उसके यहाँ जाके QR स्कैन करना है और वो QR से हो जाएगा काम। नहीं लेकिन यूपोस कैसे करेगा? यूपोस तो वाउचर ही तो बना के दे सकता है ना? नहीं, यूपॉज ऐसा नहीं है वाउचर बना के दे सकता है, वो आपने आपको दुकान बता सकता है, आप एज अ यूजर उसको वाउचर जो आपने QR उसका स्कैन किया है या बिल आपने सिंपल समझिए, आप किसी लोकल दुकान पे गए, आपने उसको बस सिंपल बोल दिया भाई ये मैं ग्लोबल गार्नर से आया हूँ, मुझे ये ग्लोबल गार्नर का बिल चाहिए, उसने आपको ग्लोबल गार्नर लगा हुआ QR का बिल दे दिया, आपने उसकी फोटो खींची और यूपॉज वाले को भेज दी, यूपॉज वाला उसको अपलोड कर देगा, उसको कमीशन मिल जाएगा, आपको कैशबैक मिल जाएगा। ओके, और वो कमीशन उसी समय मिलेगा अगर यूपोज वाला अपलोड कर रहा है तो? हाँ, नेक्स्ट टाइम अगर एज अ यूजर भी आप कर सकते हैं, एज अ यूजर आप भी कर सकते हैं, आपको नहीं आता तो यूपोज के पास भेज दीजिए, वरना आपके ऐप में दिया हुआ है वहां से आप अपलोड कर सकते हैं। नहीं, यूजर खुद से अगर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में एक बार तो उसे यूपोज से कर लिया, सेकंड ट्रांजेक्शन उसने खुद से कर लिया, ट्रांजेक्शन करने के बाद यूजर कभी भी ट्रांजेक्शन करेगा यूपोज को बाय डिफॉल्ट कमीशन मिलेगा, चाहे वो घर से भी करेगा तब भी, चाहे कैसे भी करेगा, वो ऑनलाइन वेबसाइट पर लेट से आप यूजर हैं, मेरे यूपॉज में अटैच हैं, आप जाके अभी अमेज़न पे भी शॉपिंग करेंगे, मिंत्रा में भी शॉपिंग करेंगे, मुझे बिना बताए करेंगे तब भी मुझे कमीशन मिलेगा, मुझे वो 10 गुना जीजी कॉइन भी मिलेगा, मुझे वो आपका जो कमीशन है मान लीजिए 4% कमीशन मिलना है तो 4% कमीशन मिलेगा और 40% के कॉइन्स भी मिलेंगे। और वो पेमेंट गेटवे चार्ज पे करता है तब भी? कुछ भी करता है वो यूजर, आप मैंने बोला ना आंख बंद करके बैठ जाइए, एक बार आपने यूजर किसी को अपने सिस्टम में बना लिया तो ग्लोबल गार्नर यूज कर रहा है, कहीं भी यूज कर रहा है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे यूज कर रहा है, चाहे लोकल, चाहे बिग बाजार शॉपर स्टॉप, चाहे मिंत्रा शॉपर स्टॉप, ये ऑनलाइन वेबसाइट कुछ भी करेगा आपको कमीशन मिलेगा, वही जो यूपोस का कमीशन है ना, और वेंडर और जो यूजर रेफरल है उसका कमीशन भी मिलेगा अगर रेफर किया हुआ है, अलग मिलेगा वो आपको एज ए ACP मिलेगा, यूपोस को और ACP को कंफ्यूज मत करिए। नहीं, यूजर भी तो रेफर कर सकता है ना दूसरे यूजर, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ना वो अलग मिल रहा है, यूपॉज में आपको कमीशन और जीजी कॉइन मिल रहा है, रेफरल का आपके आपको यूजर में मिल रहा है, CPACPA वाला कमीशन आपको CPACPA में मिल रहा है। ओके ओके, तीन डिफरेंट बास्केट्स हैं। राइट राइट सर, थैंक यू सर। ओके ओके ओके, बहुत सारे लोगों के हाथ अभी भी हैं, मैं लास्ट दो क्वेश्चन और लूंगा, मैं वापस हाथ नीचे कर रहा हूँ, जिसको लग रहा है उनका बहुत अर्जेंट सवाल है वही अब केवल हाथ रेस करें। ये हेलो, हाथ नीचे क्यों नहीं जा रहे हैं पता नहीं, हाथ भी नीचे नहीं जा रहे हैं। हाँ गए। ओके
अभी आप अपने आप जो हाथ रेस करेगा, जिसको लग रहा है बहुत अर्जेंट है तभी पूछिए, बिकॉज ऑलरेडी हम लोग 8:30 हो चुका है। एक सवाल मैं और ले लूंगा, किसी का बहुत अर्जेंट सवाल है तो। ओके मिस्टर सूर्यकांत हाथीमार, लास्ट सवाल है, बोलिए। सर जी बिल्कुल आ रही है, बताइए। सर हमने, आपने जब कैलकुलेटर दिखाया है, इसमें आपने कुछ कमीशन स्लैब हर कैटेगरी के सामने, फॉर एग्जांपल फॉर 0.32% ये हमने सर कैसे कैलकुलेट किए, मैं ये समझना चाह रहा हूँ। सिंपल, अभी हमने कैलकुलेशन कुछ नहीं किया, हम जो सबसे लोवेस्ट दे रहे हैं वही हमने ले लिया। जैसे लाइट बिल पे करने पे हम आपको 0.3% कमीशन देते हैं, आपको लोन बेचने पे आपको 0.25% देते हैं, कपड़े वपड़े बेचने पे आपको 4-5% मिलता है, बट वहां पे हमने 2% ले लिया है। तो हमने सारे लोअर रेंज वाले जो हमारे कमीशन है यूपॉस पे, वो हमने ले रखे हैं वहां पे। जनरली आपको उससे ज्यादा ही मिल रहा होगा। और ये अभी जब आपको प्रैक्टिस करके देखिए जी। ओके ओके सर। सर एक वेंडर है जो ऑनलाइन पोर्टल चलाता है, वो टिकट बनाने का काम करता है मान के चलिए, और वो जब किसी की टिकट बनाता है, फ्लाइट की टिकट, रेल की टिकट फॉर एग्जांपल, वो जो वेबसाइट उसको सबसे कम मार्जिन दे रही है उससे वो टिकट बना के कस्टमर को देता है ताकि उसका कमीशन अच्छा बने। अब अगर मैं उसको यूपॉस देता हूँ तो यूपॉस में वो भी, वो वेबसाइट अगर नहीं है मान के चलो, अपने साथ क्लब नहीं है जो उसको अच्छा कमीशन दे रही है, तो उसमें क्योंकि तुम दूसरों का ट्रेड करो। जिस दिन उसको आप पूछिएगा ना ट्रैवल वाले को, जिस दिन मेक माई ट्रिप ज्यादा अच्छा ऑफर निकालता उसका उसके बाद इसका टिकट कोई नहीं लेता है, तो आप मेक माई ट्रिप का तब टिकट बेच दो ना। यात्रा कोई अच्छा ऑफर निकालता है आप यात्रा बेच दो। आप ओयो रूम्स कोई अच्छा होटल दे रहा है सस्ते दाम पे, आप ओयो रूम्स बेच दो, क्योंकि आप हर चीज का ट्रेड तो कर ही नहीं रहे हो ना। आज कोई डिवाइस ही ऐसा नहीं दुनिया में बना है जिसमें आप हर चीज का ट्रेड करो। और दूसरी चीज, अब आपका लेट से आपने जिसको टिकट बेचा है वो स्विट्जरलैंड घूमने जा रहा है, अब आप उसको बोलो सर वीड़ा मोड़ा से जाके आप नया जैकेट खरीद लो, पैंटलून में सेल आई है वहां पे आप जाके कपड़े खरीद लो, शॉपर स्टॉप में भेज दो, किसी को गोल्ड खरीदना है गोल्ड खरीदवा दो। मतलब एंड ऑफ द डे आपके पास पूरी दुकान आ गई भाई, यू आर नॉन डिजिटल मॉल। आपको अपना दिमाग को अब उतना एक्सपेंड करना पड़ेगा, राइट? ओके थैंक यू वेरी मच। आई थिंक आज का सेशन वैसे भी ओवर टाइम हो गया। थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं दोबारा। थैंक यू।